जो कंटेंट क्वालिटी चाहिए वो कंटेंट क्वालिटी, ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में कंप्लीट करा दूं मैं पूरा एनसीईआरटी, है ना, प्रॉपर समय देके आपको सोचने समझने का समय देके वैल्यूएशन करके करवा रहे हैं। रोटी हमेशा तनी होती है, ऐसे ऐसे होती है, पैदा ही ऐसे होते हो। अभी क्या करते हैं, है ना, बचपन में शंख पुष्पी और अखरोट अखरोट खाए रहते तो दिमाग प्रसन्न रहता, बचपन में ऐसा रहा नहीं माहौल, है ना, तो क्या हो, चिढ़ बैठे ही रहते हैं। 1 मिनट मैंने इधर उधर की बात की, सर सीधा टॉपिक पे आइए। अब यार मेरी आदत है यार, थोड़ा तो बकैती आप करूंगा लोग मैं। लेक्चर करोगे 1.5 घंटा, एकदम बोर हो जाओगे लगातार अगर लेक्चर, और सीधे मैं रीड करके आगे बढ़ते जाऊँ ना इधर उधर, इसीलिए बीच में ऐसे मैंने भिड़ाया, बीच में मेंस का क्वेश्चन इसीलिए कराया कि थोड़ा सा आपका माइंड और फोकस हो जाए अचानक से। बीच में मेंस का क्वेश्चन इसीलिए कराता हूँ कि अचानक से और फोकस हो जाए, माइंड और फोकस हो जाए, ठीक है, तो इस बात को समझिए। जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, अब हम लोग क्लास 8th की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, 7th की खत्म हो गई है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मेरा एक सजेशन होगा, एक छोटा सा सजेशन, बहुत मतलब आपको ऐसा नहीं है लोड नहीं लेना है ना। सजेशन ये होगा कि यार एटलीस्ट 15 मिनट रीड करके एटलीस्ट आइए, है ना। मान लीजिए क्लास 6th की चल रही है एनसीईआरटी और आपने मान लो हमने 3 चैप्टर करा दिए, तो अगली बार क्लास से आने से पहले एटलीस्ट 2 चैप्टर रीडिंग करके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा डिटेल में पढ़ के समझ के आओ, ये कहीं नहीं रहा भाई, ये जिम्मेदारी मेरी है, रीड करके आएंगे तो कनेक्ट कर पाएंगे आसानी से, ठीक है, आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे, फिर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जैसे कई लोग मतलब कई लोग नहीं, केवल एक व्यक्ति ने कमेंट किया, हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग को ये प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं फिर भी एक बार सामने से बता दे रहा हूँ, दिमाग में नहीं लगाना, जैसे जिन लोग, मैं इसलिए बात कह नहीं रहा था, नहीं तो क्या होता है ना, फिर आप लोग को लगने लगती है प्रॉब्लम कई बार, ठीक है, नई भी होती है लेकिन प्रॉब्लम लगने लगती है। तो वो बात ये है कि देखिए, कई बार क्या होता है कि अब लोग, एक एक व्यक्ति ने कहा कि सर वो छोटा दिखाई देता है, मेरे ख्याल से एक लेक्चर में बस प्रॉब्लम थी, जनरली तो इतना बड़ा हमने प्रॉपर जूम किया हुआ है और इतने में तो मुझे बहुत क्लियर, मैं सामने देख रहा हूँ एकदम स्क्रीन पे, मैं सामने भी स्क्रीन लगी हुई है, मैं जब लेक्चर कराता हूँ तो सामने भी देखता रहता हूँ, बहुत क्लियर दिख रहा है। आप देखेंगे अगर हम लोग प्रॉपर, इवन ये तो अभी हिंदी इंग्लिश जब एक साथ है, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ सामान्यतः तो एक हम लोग इतना जूम कर देते हैं, अब इससे ज्यादा जो मुझे लगता है फिर इससे बड़ा और क्या करेंगे, ऐसा ऐसा पढ़ाएं हम लोग ये करके, मेरे ख्याल से ये चीज सही नहीं है, ये प्रॉपर है, ये जो साइज है ये कि साइज मोर देन इनफ है। आप लोग अगर छोटी मोबाइल में भी देख रहे हैं ना, बहुत छोटी मोबाइल में देख रहे हैं तो भी आपको आराम से ये चीजें दिख रही होंगी, तो मुझे तो यही लगता है कि आपके लिए प्रॉपर बहुत सही से ये क्लास करवाई जा रही है ना, पर्सनली मुझे कोई यहाँ पर समस्या नहीं देखने को मिल रही है ना। फिर भी भाई आप लोग, ये तो आप लोग के ऊपर डिपेंड है ना, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए हमें बाइलिंगुअल करवाना है, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, बाइलिंगुअल कराना है, और मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी मीडियम को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी इस एनसीईआरटी बैच में, ठीक है, इससे बढ़िया बाइलिंगुअल तरीके से कहीं नहीं करवाया जाता है, किसी कोचिंग में आप देख लेना बाइलिंगुअल इससे बढ़िया तरीके से नहीं कराया जाता है, जितना रिसर्च और डेवलपमेंट करके हम लोग ये काम कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर इसमें वैल्यू एडिशन इस तरह से की जा रही है ना, आप लोग अभी देख रहे होंगे, मैं नहीं देख रहे हैं तो देखिए, मैंने बार बार कहा कि PYQ साथ में लेके बैठिए, PYQ लेके बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो बड़ा अजब तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, PYQ नहीं देखेंगे ना तो थोड़ा सा मजा नहीं आएगा, तो लगेगा अरे क्या चल रहा है, कुछ तो पढ़ा ही रहे हैं सर, ये तो कहीं भी कोचिंग में फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते तो वहां भी पढ़ते, है ना, 2 लाख फाउंडेशन दे के करते, लेकिन अगर PYQ साथ में इसको रख के आप देखेंगे, केवल देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, देखो मेरे पास PYQ है, UPSC का PYQ है, बस क्या करना है, केवल ओपन करना है PYQ, जब आ रहे हो क्लास से पहले तो 2 काम करना है, 15 मिनट एनसीईआरटी रीड करनी है, जो चैप्टर आज पढ़ने वाले उसको 15 मिनट रीड करिए, और 15 मिनट क्या करना है, 15 मिनट PYQ देखना है, तो केवल 30 मिनट का काम आपको करना है, 15 मिनट PYQ देखा, 15 मिनट एनसीईआरटी पढ़ी, 15 मिनट PYQ देखा, 15 मिनट एनसीईआरटी पढ़ी, ये 30 मिनट आपके भविष्य के पता है 5 साल बचा सकते हैं भाई, 5 साल, आप अभी आज देखेंगे कि मेंस प्री सारी चीजें यहीं से बनाता है, यूपीएससी यूपीपीएससी सारी चीजें, एक भी चीजें बाहर से नहीं आती हैं, बस करंट ऐड करना होता है, इसके प्लस करंट, तो जब इतनी बड़ी चीज हमारे पास, इतना बड़ा रिसोर्स है, और मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि आपको फाउंडेशन बैच से कम की फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है, फाउंडेशन बैच, लेकिन मैं फिर भी ये बोल नहीं रहा हूं, मैं बोलूंगा इसको एनसीईआरटी बैच ही, फीलिंग आप लोगों को फाउंडेशन बैच से कम की नहीं आएगी, क्योंकि जितनी चीजें लिंक करनी है सारा कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं, इसीलिए साथ साथ में PYQ भी करवाते चल रहे हैं क्लास में, लेकिन थोड़ा एफर्ट आप लोग अपनी तरफ से भी दीजिए, एज अ स्टूडेंट ये लगे कि हाँ भाई क्लासेस आप रेगुलर कीजिए, ज्वाइन कर लेंगे, क्लासेस नहीं करेंगे सोचेंगे कि सर ने, हम तो सर बैच ज्वाइन किए थे लेकिन हमारा सर सिलेक्शन नहीं हुआ, यार बैच ज्वाइन करने से सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात समझिएगा, ठीक है, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें साथ साथ में चलिए ना, थोड़ा पीछे चलिए थोड़ा आगे चलिए वो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट कोशिश तो करिए कोऑपरेट करने की, ये बहुत जरूरी है।
अभी हम लोग क्या करेंगे, जो अब तक हमने पढ़ा था तो एक बार समराइज करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछे हुए हैं। ठीक है, ये मैं टाइप करके हिंदी इंग्लिश में अपलोड करा दूंगा जो यहाँ पर क्वेश्चन कराऊंगा। अभी के लिए आप देख लीजिए जो क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, जो हमने अटेम्प्ट किया है ये पीवाईक्यू में आया हुआ है। ठीक है, तो जो हमने अटेम्प्ट किया हुआ है, जो हम पढ़ चुके हैं, मैं वही क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा। तो कह रहा है महासागरों और समुद्रों में ज्वार एवं भाटा किनके कारण होते हैं। ऑप्शन दे रहा है सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अपकेंद्रीय बल, एक सेकंड, अपकेंद्रीय मतलब सेंट्रीपिटल होता है। केवल मैं श्योर कर ले रहा हूं। ठीक है, सेंट्रीपिटल होता है कि सेंट्रीफ्यूगल होता है, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूं। केंद्रीय, असल में ये आईआईटी की तैयारी केंद्रीय बल की इंग्लिश, तो मैं जो चीज नहीं आती है वो भी वैसे यहाँ पे आप लोगों को देख के सर्च करके बता। सेंट्रीफ्यूगल है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल है, आप केंद्रीय मतलब सेंट्रीफ्यूगल मतलब जो बाहर की तरफ है। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल, तो सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लग भी रहा था फीलिंग, इसीलिए 1 2 3 आंसर। अभी तो याद करिए मैंने कितना बढ़िया से ये बात समझाई थी, ये किसी का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कि तीनों सही है, एकदम कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मैंने जब पढ़ाया था नीप टाइड, याद है, याद आ रहा है, सोचिए एक बार, नीप टाइड पढ़ाया था, स्प्रिंग टाइड पढ़ाया था, याद आ रहा है कुछ कुछ लग रहा है कि हाँ सर ऐसा तो कुछ डेजा वू वाली फीलिंग आ रही है, ऐसा कुछ तो हुआ था मेरे साथ, है ना। ये सारी चीजें जब करवा रहा था तो वहां पर बताया था कि देखो जब पृथ्वी ऐसे होती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, एक जगह दिन में 2 बार टाइड्स आती हैं, तो क्यों आती हैं टाइड्स 2 बार। तो मैंने कहा था जब चंद्रमा यहां पर रह रहा है तो गुरुत्वाकर्षण से अपने आप को खींच रहा है, लेकिन पृथ्वी का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप केंद्रीय बल क्या कर रहा है, इसके अपोजिट में भी बैलेंसिंग फोर्स, ठीक है, बैलेंस करने के लिए बैलेंसिंग फोर्स पृथ्वी लगा रही है। न्यूटन का थर्ड लॉ, बैलेंस करने के लिए पृथ्वी बल लगा रही है, तो वो क्या होता है, वो होता है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल भी पृथ्वी लगा रही है। तो सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटी तो है ही, साथ में पृथ्वी का अपकेंद्रीय फोर्स, तो यहां पे टाइड आ रहा है, और जब यहां पर पहुंचा चंद्रमा तो इस लोकेशन पे वापस आया, तो 2 बार टाइड्स हो रही हैं। ये बात मैंने आपको प्रॉपर बताई थी, आपसे डिस्कशन किया था। ठीक है, तो ये मत कहना कि नहीं नहीं सर हमें तो पता ही नहीं था। देखिए कितना बढ़िया तरीके से आप देख रहे हैं, पीवाईक्यू आपसे बहुत क्लियर तरीके से होगा। पीवाईक्यू एक क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है ना, जो चैप्टर हमने कर लिया है, आप प्री का पीवाईक्यू उठा लीजिए, आप मेंस का पीवाईक्यू उठा लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, सारे के सारे आप अटेम्प्ट कर लोगे। क्योंकि यार क्या बात है, एनसीईआरटी से ही कर लिया हमने तो, है ना, कुछ फाउंडेशन और ये वो करने की कोई जरूरत नहीं। देखो संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र यानी फिशिंग जोन तो बोला है वर्ल्ड के सबसे इंपॉर्टेंट फिशिंग जोन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, आर फाउंड ऑन दैट रीजन वेयर। ठीक है, तो ये है ना, किसमें, जहां पे कोष्ण और शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती है, मतलब कह रहा है कोल्ड मतलब ये हॉट एंड कोल्ड एटमॉस्फेरिक करंट जहां पर मिलती है, एटमॉस्फेरिक करंट मिलती है, तो बताइए सही है गलत है। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जहां पे हॉट एंड कोल्ड समुद्री धाराएं ओशियन करंट, याद है, बोलो, एग्जाम्पल दिया था ग्रैंड बैंक, है ना, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर का एग्जाम्पल दिया था कि यहां पर मिलती है, नौवहन खतरनाक हो जाता है, बोलो यहां पे बताइए कमेंट में कि नहीं सर आपने नहीं बताया था, तब मैं मानूंगा। तो प्रॉपर एक एक चीज बताई है, और आप मेरी बात अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो एनसीईआरटी पहली बात आपको दोबारा पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी में, कोई जरूरत नहीं है, आपने एक बार लेक्चर कर लिया, देखना आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप, मैं इस बात को पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, और आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस साथ साथ में धैर्य के साथ करते जाओ। अभी तो शुरुआत यार, अभी तो हमने 6 और 7 की एनसीईआरटी खत्म की है, अभी तो हमें 11, 12 बहुत बड़ी बड़ी एनसीईआरटी पढ़नी है, 11, 12 पूरा पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये 11, 12। जब 11, 12 पढ़ोगे कर रहे ससुरा सारा क्वेश्चन तो यूपीएससी वाले यहीं से बना है, क्योंकि हमने आज तक अभी देखा नहीं। हमें क्या है, हमें जब तक दिमाग में हमारी फीलिंग ये बात है कि यार जब तक हम 2.5 लाख रुपए देंगे नहीं, 2 लाख रुपए खर्चा नहीं करेंगे तो हमारी यूपीएससी तैयारी हो नहीं सकती, है ना। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यही करते हैं। इवन यार वो आपसे, आप लोग, आपको जो टीचर पढ़ाते हैं ना, आप क्या करते हैं, आप एक बड़े टीचर के नाम के पीछे भागते हो कि बड़ा टीचर है ये, है ना, ये बड़ा टीचर है, इन्होंने एक कोचिंग चला दी है तो वो बहुत फेमस है, है ना। आजकल तो भाई ये भी है कि मतलब ये वाला दुकान वाला, है ना, वो लोग भी शुरू कर दे रहे हैं, तो भाई ठीक है। इवन यार मैं तो आईआईटी से भी क्वालिफाइड हूँ,
इस हिसाब से तो मुझे भी आई टी जे नीट की कोचिंग शुरू कर देनी चाहिए, हालांकि वो हम लोग करेंगे फ्यूचर में, सही बातें करेंगे, तो मैं तो क्वालिफाइड भी हूं फिर भी इस मामले में भी, है ना। लेकिन हमारे क्या, हमारे दिमाग में एक ब्रांड छप गया कि जब तक वो विशेष स्तर नहीं बताएंगे तब तक वो नहीं होगा, जबकि भाई जो उनके अंडर पढ़ाते हैं ना कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है, लिटरली बता रहा हूं, हम लोग फिर भी बहुत हाई क्वालिफाइड है। वहां क्या होता है, आपने 3 साल 4 साल प्रीलिम्स की तैयारी की, आप खुद कभी करके देख लेना, उस कोचिंग को ज्वाइन कीजिए, 3-4 साल आपने प्रीलिम्स की तैयारी की तो आपको कॉपी चेकिंग में लगा देंगे, ठीक है। फिर आपने 1-2 साल और तैयारी कर ली तो आपको कहेंगे काम करो कुछ यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, थोड़े मोटे शॉर्ट वीडियो बनाओ, वहां पे बनाए तो फिर आपको प्रमोट करके आपको वहां पे प्रमोशन हो रहा है, ऐसे ही है ना। तो एकदम चिल मार के जैसे बता रहा हूं उस तरीके से करिए और आपका देखिएगा प्रॉपर वे में सिलेक्शन होगा, प्री मेन सब क्वालिफाइड होगा भरोसे के साथ। थोड़ा सा मैंने ये कमेंट सुने थे तो मुझे लग रहा था कि आप लोग साथ डिस्कशन करना चाहिए, तो बहुत सही तरीके से चल रही है, एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि मैं पहले आपको समझाता हूं हर क्लास के पहले, तो याद करिए ऐसा करता हूं कि नहीं करता हूं बताइए एक बार, ऐसा करता हूं ना हर क्लास के पहले, पहले मैं क्या करता हूं पूरे उस लाइन को मैं समझाता हूं, है ना, पूरे उस चैप्टर को मैं एडवांस में समझाता हूं, फिर लाइन बाय लाइन रीड भी करता हूं कि देखो यहां पे ये लिखा है, देखो यहां पे ये लिखा है, देखो भूलना मत यहां पे ये भी लिखा है। तो हम लोग एक एक चीज कर रहे हैं, ठीक है, भरोसा रखिए साथ में और थोड़ा समय भी दीजिए, ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि सर अभी स्टार्ट हुआ तुरंत खत्म क्यों नहीं हो गया, हड़बड़ाइए मत, लॉन्ग टर्म का कोर्स है, 4 महीने 5 महीने लगते हैं, 3-4 महीने लगेंगे, है ना। 2023 वालों के लिए हम लोग कोशिश में है कि फरवरी 10 तक खत्म करवा दिया जाए कोर्स, है ना। तो और भाई अगर इवन फरवरी लास्ट में भी खत्म हुआ ना, अब मार्च अप्रैल मई 3 महीने आपके पास भरपूर बचेंगे और 3 महीने में आपको कुछ नहीं करना, इसको तो दोबारा झांकने नहीं जाना है, और इसमें ऐसा भी नहीं कि आपका 8-10 घंटा लग रहा है, ये भी नहीं है, 3 से 4 घंटे क्लासेस जा रही है, है ना। तो जो पढ़ रहे उसको पढ़ते रहो साथ में, ऑप्शनल करते रहो, जनवरी तक ऑप्शनल निपटा दो साथ में, ठीक है, और एनसीईआरटी केवल क्लास करते रहो, टेस्ट सीरीज पैरेलली ज्वाइन कर लेना, जो लोग 2023 में दे रहे हैं पैरेलली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, तो ज्योग्राफी का चल रहा है तो ज्योग्राफी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं बता रहा हूं इतना इजी हो जाएगा ना प्रीलिम्स में, आप कहोगे यार गजब था सर इसके पहले यही कर लेते ना तो 2022 में ही सेलेक्ट हो जाते, 2023 देने की नौबत नहीं आती, तो कॉन्फिडेंस के साथ रहिए, देखिए कितना कमाल होता है। तो ये भी मैंने बताया था, जहां पर क्वेश्चन और शीत मतलब हॉट एंड कोल्ड ओशियनिक करंट मिलती है, ठीक है, ओशियनिक करंट मिलती है वहां पर, क्या होता है संसार के सर्वाधिक मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशरिंग जोन्स पाए जाते हैं। मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूं क्वेश्चन, ये टाइप करा के आपको मिल जाएंगे, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, मोर देन एनफ है, दोबारा क्यों देखना है ये, है ना, टाइप वाला क्यों देखना है, लेकिन मिल जाएंगे फिर भी, ये जिम्मेदारी के साथ आपको मिल जाएंगे। तो क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है प्लैंकटन, ये भी मैंने बताया था कि वहां पे पोषक तत्व, वहां पे न्यूट्रिएंट रिच वाटर बहुत ज्यादा मिलता है, है ना, हॉट एंड कोल्ड करंट आती है तो इस वजह से वहां पर बहुत ज्यादा फिशिंग जोन होता है, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे, डॉगर बैंक, ग्रैंड बैंक बताया था ना, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक न्यूफाउंडलैंड तट के समीप, जॉर्ज बैंक, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट फिशिंग जोन्स है, फिशिंग जोन्स है, ठीक है। यो क्या, अब ये कह रहा है एक 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 जलवायु बारे में, मैंने कहा था कि ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, ये भी मैंने कहा था कि एक क्या करेगा आपको एक जलवायु के बारे में बता देगा। अभी हमने 4-5 जलवायु क्षेत्र पढ़े थे, सवाना पढ़ा था, भूमध्य सागरी पढ़ा था, ऐसे ऐसे पढ़ा था खूब ढेर सारा, है ना, बताया था कि यहाँ पे ये कृषि होती है, देखो यहाँ पे शीत ऋतु में वर्षा होती है, याद करो एक बार, नहीं याद आ रहा है तो वापिस क्लास देखो फिर, यानी क्लास आपने सीरियसली नहीं देखी अगर नहीं याद आ रहा है तो, क्योंकि मैं 100% श्योर हूं कि मैंने ये बात बताई है ना, 100% श्योर, नहीं मिले तो मुझे बताओ तो मैं आपको इवन मिनट दिखा दूंगा कि देखो यहाँ पे ये बात बताइए, ठीक है। तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ रहो। तो कह रहा है हर दिन कमोबेश एक सा होता है, सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है, सुबह काफी बढ़िया एकदम क्लियर और एकदम उजाला बढ़िया से है, जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता है गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं, फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र समाप्त हो जाती है। ये बताइए क्या डिस्कशन किया था, बोलता ना अमेजन रीजन में क्या होता है विषुवतीय क्षेत्र, यानी इक्विटोरियल रीजन में क्या होता है, इक्विटोरियल बोला था ना, वहां पे लिखा भी था बिना पूर्वानुमान के, स्टेटमेंट बता रहा हूं आपसे एग्जैक्ट, बोला था बिना पूर्वानुमान के अचानक से वर्षा होती है खत्म हो जाती है, अचानक से वर्षा हुई खत्म हुई, क्यों संवहनीय वर्षा, बताया था कन्वेक्शनल करंट वहां पे होती है, ठीक है, कन्वेक्शनल करंट उठती है और वहां पे वर्षा होती है, ये बात वहां पे बताई थी प्रॉपर, संवहनीय वर्षा कन्वेक्शनल रेनिंग वहां पे होती है, तो ये क्षेत्र कौन सा, ये क्षेत्र क्या विषुवती, यानी सॉरी विषुवती, हाँ विषुवती, विषुवती यानी इक्विटोरियल, भूमध्य सागरी से कंफ्यूज नहीं होना है, भूमध्य सागरी क्या है मेडिटेरेनियन है, इसकी इंग्लिश होती है मेडिटेरेनियन, और मेडिटेरेनियन की खास विशेषता क्या है, यहाँ पे शीत ऋतु में यानी विंटर सेशन में शीत ऋतु में वर्षा होती है, ये भी बताया था, पूरा आपको जलवायु जोन अलग से जो अपने नोट्स बनाए थे ना वो नोट्स आपसे शेयर करके दिखाता है, देखो जलवायु जोन ये होते हैं, इस जलवायु जोन की ये विशेषता है,
एक बार सोचोगे तो लगे यार हाँ यार ये तो हो जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चौथा देखते हैं, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है, गंगा के निचले मैदान, ठीक है, तो जो लोअर प्लेन्स हैं गंगा के, लोअर प्लेन्स ऑफ गंगा, लोअर प्लेन्स की यह विशेषता है कि यहाँ पे वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ, मतलब हाई टेम्परेचर और आर्द्र यानी ह्यूमिड भी है। इस क्षेत्र के लिए कौन से फसल, मतलब फसलों का जो जोड़ा है कौन सा वो सबसे बेस्ट होगा इस रीजन के लिए, कौन सा सबसे महत्वपूर्ण होगा, तो आपको चार फसलें दी हुई हैं, ठीक है, तो धान और कपास, ठीक है, धान और कॉटन, है ना, मतलब राइस एंड कॉटन, यहाँ पे क्या धान और जूट, तो राइस एंड जूट, गेहूं और जूट, मतलब आपका गेहूं व्हीट एंड जूट, और गेहूं और कपास, मतलब आपका हो गया व्हीट एंड कपास, ये कौन सा है यहाँ पर। तो ये बात मैंने बताई थी, मैंने क्या बताया था कि वहां पर क्या होता है, देखो क्लियर बताई थी, बोला था बंगाल के क्षेत्र में जूट और धान क्योंकि वर्षा गहन फसलें वहां पे होंगी, क्योंकि बंगाल का गंगा के निचले मैदान की बात कर रहा है, गंगा का निचला मैदान मतलब जो लोअर है, लोअर स्टेट, गंगा जहां पे जा रही है समुद्र के पास, तो वहां पे क्या डेल्टा ही रीजन है बेसिकली, डेल्टा के आसपास का रीजन, तो वहां पर क्या होता है सबसे ज्यादा धान और जूट होता है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चार क्वेश्चन देखा हमने पीवाईक्यू के, देखो सारे पीवाईक्यू 2011-13 हम सब देखते जा रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी देखते जाओ, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है ना, तो आप भी देखते जाओगे पैरेलली तो आपको भी भरोसा चढ़ेगा, ऐसे तो मैं तो करवा ही रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि मैं नहीं करवाऊंगा, जिम्मेदारी है, लेकिन आप भी देखते जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, तो थोड़ा यार एफर्ट करिए साथ साथ में ना, तो अलग लेवल का आपको मजा आएगा एनसीईआरटी बैच में, आप कमाल कर दोगे। ठीक है, ये बात हो गई, अब हमें पढ़ना है रिसोर्सेस। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे संसाधन। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको भी ओपन कर रहा हूं, है ना, रिसोर्स और संसाधन अब हम ये साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज, पहले मैं अपनी बातें बता देता हूं आपको। ठीक है, तो ये चीज ओपन है और प्रॉपर मैं क्लियर देख पा रहा हूं कि दोनों चीजें एकदम दिख रही है, मैं सामने इसीलिए आज मैंने ओपन करके बैठा हूं। ठीक है, तो एकदम दोनों चीजें एकदम मैं यहाँ पे पढ़ भी पा रहा हूं, अपने चारों ओर देखिए, मैं इतने दूर से हूं, मतलब मैं एकदम क्लियर मैं बता रहा हूं आपसे, मैं 1 मीटर करीब डिस्टेंस है, जहां पे एक हाथ का डिस्टेंस है, जो मेरे सामने की स्क्रीन है और वो मोबाइल की स्क्रीन से छोटी है, और मैं क्लियर पढ़ पा रहा हूं। क्या लिखा है, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। बताओ हरे कलर में इसको मार्क किया है ना, देखो देखो स्क्रीन पर, तो एकदम क्लियर दिख रहा है, कोई लोड आपको हो ही नहीं सकता, एकदम प्रॉपर हम इस बात को देख रहे हैं। अब मेरी बात समझिए, संसाधन, संसाधन होता है तो रिसोर्स, ठीक है, संसाधन का मतलब होता है रिसोर्स। अब रिसोर्स क्या होता है, तो आप पहले बात सोचो, रिसोर्स वो सारी, पहले एक चीज होती है वस्तु, एक चीज होती है वस्तु, ठीक है, वस्तु का मतलब थिंग, यानी ये क्या है, चक्कू, ये चक्कू भी क्या है, एक वस्तु है, वस्तु तो है, नो डाउट ये वस्तु है, तो कोई भी एक चीज होती है वस्तु, यानी जो चीज हमें दिखती है ना, वो चीज होती है वस्तु, है ना, एक हो गया थिंग। अगर ये वस्तु यूजफुल है, इसके अंदर कोई यूटिलिटी है, यूजफुलनेस है इसके अंदर, तो इसको हम लोग बोलेंगे संसाधन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस बात को समझिए, जैसे मैं मान ले रहा हूं, एक बात ये समझिए, कच्चा तेल, मैं कच्चे तेल की बात कर रहा हूं, है ना, जो क्रूड ऑयल, अभी देखोगे कितना डिबेट और डिस्कशन पूरे वर्ल्ड में एकदम क्राइसिस बनी है क्रूड ऑयल की, है ना, तो जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल पहले क्या था, मिट्टी में, मिट्टी के अंदर तेल दिखता था बहुत सारे, 19th century से पहले, 18वीं, मतलब 1880 के आसपास, एक बार सोचो, जब तक क्रूड ऑयल का यूज हमें नहीं पता था, जब तक हमें ये नहीं पता था कि क्रूड ऑयल को तेल बना सकते हैं, तेल को रिफाइन करके, और रिफाइन करके हम क्या कर सकते हैं, इसको हम जो है एनर्जी सोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं, जब तक हमको ये बात नहीं पता थी, तो उस समय तक क्रूड ऑयल क्या था, यूजफुल, मतलब यूजफुल नहीं था, यानी यूजलेस था, उसका कोई उपयोगिता नहीं थी, और इसकी जो उपयोगिता नहीं थी, तो उस समय ये क्रूड ऑयल क्या था, उस समय क्रूड ऑयल था आपका वस्तु, उस समय वस्तु था, जब तक इसकी उपयोगिता नहीं पता थी तो ये वस्तु था। जिस दिन हमें पता लग गया क्या ये वस्तु का तो ये यूटिलिटी है, तो ये यूज है, तो वो उसी दिन बन गया रिसोर्स। तो आप इस बात को समझिए, कोई भी वस्तु होती है, ठीक है, इस बात को देखिए यहां पर, कोई भी वस्तु होती है, उस वस्तु में अगर उपयोगिता यानी यूटिलिटी या कोई वैल्यू आती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं संसाधन, ये बात समझिएगा, तो ये संसाधन में जाता है। अब ये वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल हो सकती है, वाणिज्यिक हो सकती है, ठीक है, या फिर नॉन कॉमर्शियल भी हो सकती है, गैर वाणिज्यिक भी हो सकती है, मतलब ऐसे समझिए, आप गए और बहुत सुंदर नजारा आपको दिखा, एकदम बढ़िया बादल, पहाड़ों के ऊपर बादल आ रहे, उस पहाड़ों के ऊपर बादल को देखने का हो सकता है कोई कॉमर्शियल वैल्यू ना हो,
हो सकता है उसको आपको पैसे ना देने पड़ते हो, किसी व्यक्ति को पैसे ना देने पड़ते हो, वहां पे चार्ज ना लगते हो। ठीक है, जैसे आप घूमते घूमते अगर मसूरी में नागटिब्बा ट्रैक है ना, बहुत सारे ट्रैक है, जैसे नागटिब्बा है, आपका डोडी ताल है, तो बहुत सारे ट्रैक्स है वहां पर। अगर आप वहां पर जाते हैं तो उसका तो पैसा लग नहीं रहा है, ठीक है, उसका पैसा लग नहीं रहा है देखने का, तो कमर्शियल वैल्यू नहीं है। लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू है हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए, रिक्रिएशनल वैल्यू है। आप खुश होते हैं देख के, आपके दिमाग में बहुत क्या मन प्रसन्न हो जाता है, तो उसकी वो नॉन कमर्शियल वैल्यू है। तो लेकिन वो भी क्या है, नेचर भी एक प्रकार का संसाधन होगा, नेचर खुद में अपने आप का एक संसाधन है, क्योंकि उसकी क्या है, एक वैल्यू है भले वो नॉन कमर्शियल हो। तो ठीक है, तो आपके पास समझ में कि कोई भी वस्तु अपनी उपयोगिता के बाद संसाधन बन जाता है। मैंने कच्चे तेल के एग्जांपल से आपको ये बात समझाई, ठीक है, ये बात तो आप समझे। अब क्या है, एक पृथ्वी की मैं बात करता हूं, ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। यहां पर दो तरीके के मेजर संसाधन है, एक होता है आपका नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय यानी इसको हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेज। एक होता है गैर नवीकरणीय संसाधन यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। यूपीपीसीएस में डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, गैर नवीकरणीय संसाधन, ऐसा प्रश्न इसी साल पूछा है, 2021 में ही पूछा है, ठीक है, 2022 में, सॉरी। तो समझिएगा, तो ये दो तरह के संसाधन समझते हैं पृथ्वी में दिखते हैं। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? नवीकरणीय संसाधन वो हैं जो क्या होता है, जिनकी यूज के बाद उनको रीयूज किया जा सकता है, ठीक है, या तो रीयूज किया जा सकता है या फिर इसका क्या होता है, ये खत्म नहीं होते हैं, मतलब खत्म नहीं होते, मतलब रीयूज करने का मतलब ये नहीं, जैसे आप ये कहोगे सर ये जो प्लास्टिक का डिब्बा है इसको भी तो पिघला के रीयूज कर सकते हैं, तो क्या ये नवीकरणीय संसाधन होना? नहीं, रीयूज का मतलब ये हुआ उसकी रिफिलिंग हो गई, बेसिकली रीयूज नहीं कह सकते हम कह सकते हैं उसकी पुनर्पूर्ति हो गई, मतलब आपने यूज किया, आपने कोई चीज यूज किया, वापिस मान लो आपने किसी का गला काटा, अब वो गला वापिस से उग गया, तो इस बात को आप बोलोगे कि ये इसका गला क्या रिन्यूएबल गला है, वापिस उग जा रहा है ससुर एक गला, आप बोलोगे कि रिन्यूएबल गला है, ठीक है। थोड़ा सा नया नया कैमरा सेटअप किया है तो वही चेक कर रहा हूं कि एकदम सही आ रहा है कि नहीं, तो ये क्या होगा, ये रिन्यूएबल गला है ना। अच्छा, इसी तरह से क्या है कि या तो रीयूज है या तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि वो खत्म ही नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिन्यूएबल सोर्सेस। जैसे आप देखो सन, सूर्य की ऊर्जा क्या है, हमारे पास रिन्यूएबल सोर्सेज है, मतलब बहुत खरबों साल बाद हो सकता है खत्म, मतलब अभी रिसेंट में तो खत्म होने के कोई चांस नहीं है, है ना, तो खरबों साल बाद हो सकता है खत्म, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे रिन्यूएबल सोर्सेज, जो बार बार यूज कर सकते हैं आप, पुनर्पूर्ति हो जाए, जिसकी रिफिलिंग हो जाए, और जो आप क्या कर सकते हैं, जो कभी खत्म ना हो, इसको बोलते हैं आप रिन्यूएबल सोर्सेज। दूसरी बात आ जाती है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, मतलब गैर नवीकरणीय ऊर्जा, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं जिनका यूज करने के बाद जिनको निकाला तो वो खत्म हो गया पृथ्वी में से। तो जैसे चूंकि हमारी पृथ्वी क्या है, एक बंद सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, ऐसा तो है नहीं कि यहां पर एल्यूमिनियम आयरन ये बाहर से किसी ग्रह से आ रहे हैं रेगुलर, नहीं, तो ये जो सारे रिसोर्सेज हैं, कोयला एल्यूमिनियम है ना, जिनको बनने में बहुत साल लगते हैं, मतलब करोड़ों साल इसके बनने में लग जाते हैं, मतलब रिफिलिंग हो सकती है, हो जाए इसकी, लेकिन इसके रिफिलिंग होने में करोड़ों साल लग जाते हैं, है ना, कॉन्टिनेंट पूरा यहां से वहां चला जाएगा, बहुत प्रेशर लगेगा, बहुत टेम्परेचर लगेगा, अंदर का मैग्मा बाहर आएगा, तब हो सकता है ये बने, है ना, तब हो सकता है ये बने, तो करोड़ों साल रिफिलिंग में लग गए, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, गैर नवीकरणीय ऊर्जा, जो पृथ्वी पर करंट में बात करूं तो करंट में लिमिटेड अमाउंट में है, तो अगर कोई रिसोर्स करंट में लिमिटेड अमाउंट में है तो उसको हम लोग बोले नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये तो हो गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इसके बाद कुछ और रिसोर्स होता है, जैसे ह्यूमन अपने आप में एक रिसोर्स है, मानव अपने आप में रिसोर्स है, क्यों? क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन क्या करता है, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपना नॉलेज के माध्यम से क्या करता है, उसको यूजफुलनेस प्रदान करता है। तो जैसे आपने देखा होगा, मैंने अभी बताया कच्चा तेल था, तो कच्चा तेल क्या था, जब तक ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हुआ था, जब तक किसी वैज्ञानिक ने ये नहीं बताया कि यार इसको तो तुम आसवन कर दो अगर, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाए, मतलब इसका डिस्टिलेशन अगर कर दिया जाए, इसको रिफाइनरी से गुजार दिया जाए, तो ये एनर्जी सोर्स बन सकता है। तो जब तक उस वैज्ञानिक ने ये बात बताई नहीं, तब तक क्या था, तब तक वो यूजलेस था, लेकिन वैज्ञानिक के बताते यूजफुल हो गया। तो वैज्ञानिक जो है, जिसने अपना दिमाग लगाया,
वो क्या है, वो हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स हो गया, तो ये बात भी समझ में आई है ना। तो आपने रिसोर्स देख लिया, रिसोर्स क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्स है ना। तो रिसोर्स की मैं अगर बात करूं तो रिसोर्स दो तरह के आपको दिख जाएंगे, बेसिकली तीन तरह के रिसोर्स हैं। ये हम लोग ने इंट्रोडक्टरी क्लास में पढ़ा था कि तीन तरह के हमारे पास रिसोर्स हैं। एक हो गया नेचुरल रिसोर्स, क्लास सिक्स में ये इंट्रोडक्शन हो चुका है। एक हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्स, सॉरी एक हो गया आपका मतलब आर्टिफिशियल रिसोर्स या मैन मेड रिसोर्स, ऐसे कह सकते हैं, छोड़ो इसको लिख लो मैन मेड रिसोर्स, मतलब कृत्रिम रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स। और तीसरा आपका हो गया कौन सा, तीसरा आपका ह्यूमन रिसोर्स, मतलब मानव खुद में एक रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स कितने तरह के हो जाएंगे, दो तरह के, तो नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, मतलब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो ये आपको दिख गया, ये रिसोर्स का एक ऊपर ऊपर हमने देख लिया, ठीक है। इस चैप्टर में हम इन्हीं सब चीजों को करेंगे, इन सब चीजों को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो यहां देखिए, यहां पर पूछा संसाधन क्या है, सबसे पहले लिखा संसाधन क्या है, कहानी बताइए प्रॉपर, है ना, कहानी बताइए कि मोना और राजू अपना घर साफ कर रहे थे, ये सब। अब देखो एक चीज समझो, ये जब आप रीड करोगे ना, इससे क्या फायदा होगा, ये फायदा मैं अभी पहले डिस्कशन कर लेता हूं ताकि और आप लोग को और मजा आए, समझ में आए कि हाँ एनसीईआरटी को और कैसे यूजफुल हम बना सकते हैं। तो ये चीजें आप यूज कर सकते हो एसे में, ये चीजें आप यूज कर सकते हो। ऐसे क्या होता है ना, एसे लिखने के कई सारे तरीके होते हैं, ये हम लोग मेंस मैराथन की क्लासेस में देखते रहेंगे, इस बैच में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, मतलब सब सब चीजें एक जगह कर देंगे ना, खिचड़ी बन जाएगी, कई लोगों को समझ में आएगा, कई लोगों को ये भी नहीं समझ में आएगा। तो यहां पे हम ऐसे आलतू फालतू यूज नहीं करेंगे, बस ऐसे समझिए कि इंट्रोडक्शन ऐसे अगर लिखना है तो कई तरीके होते हैं, जिसमें एक तरीका होता है आपने कविता लिख दी, कोई बढ़िया कविता आपको पता चले आपने वो लिख दिया। एक तरीका होता है आपका इंट्रोडक्शन लिखने का कि आपने कोई स्टोरी बता दी, ठीक है, आपने कोई स्टोरी बता दी। ठीक है, तो एक तरीका क्या हुआ, एक तरीका ये हुआ कि आपने कोई स्टोरी बता दी ऐसे लिखने के लिए। तो यहाँ पे एनसीईआरटी की शुरुआत जो कर रहा है ना, वो स्टोरी की कर रहा है, इसको आप यूज कर सकते हैं। कि मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि संसाधन, जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आया, एक बार आपने कोई चीज उपयोग कर ली तो वह दोबारा उपयोग योग्य नहीं रह जाती, ऐसा कुछ। भाई आजकल क्या कर रहा है, आजकल फिलोसफिकल ऐसे पूछ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके, अलग अलग तरीके कैसे पूछ रहे हैं, जैसे जैसे ये भी पूछ रहा है, ये भी पूछता है कि मानव पर्यावरण करे कोई भरे कोई, ऐसा कोई टॉपिक आ गया ऐसे का, है ना। तो डिपेंड्स ऑन टॉपिक आप क्या कर सकते हो, इस तरह की कहानियां लिख सकते हो। तो देखो कहानी की बात क्या है, बहुत छोटे तरीके से कहानी है और यहां से क्वेश्चन उठा दिया है। जैसे मान लो प्रश्न आ जाए संसाधन क्या है, ऐसे लिखे, मान लो यही क्वेश्चन आ जाता है संसाधन क्या है ऐसे लिखे, ठीक है, यही क्वेश्चन ही आ जाता है। यूपीपीसीएस में डायरेक्ट आ सकता है ऐसा कि रिसोर्स क्या है, कमेंट मतलब लिखे बस, रिसोर्स क्या है यही अपने आप में आ जाता है। या मानव संसाधन महत्वपूर्ण की गैर महत्वपूर्ण, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए अगर, या मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, ऐसा अगर टॉपिक आ जाता है तो आपको क्या करना है, इस तरह की कहानियों से आप लिख सकते हो ऐसे। तो देखो क्या बताया, मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे, इन सभी चीजों को देखो, कपड़े बर्तन अनाज कंगा शहद की बोतल किताबें प्रत्येक उपयोगी है। तो बता रहा है कि भाई दिस बॉटल ऑफ हनी बुक्स, ईच ऑफ दिस हैज अ यूज, सबके एक यूज है, जो भी चीजें हैं कमरे में सबकी यूज है। ये किसने कहा, मोना ने कहा, मोना कह रहे थे भैया सब चीज जितनी चीजें सबकी यूज है, दैट इज वाई दे आर इंपॉर्टेंट, ये कारण है। अम्मा ने कह रही, अम्मा कह रही है यही कारण है बचवा की बहुत जरूरी है, ठीक है, तो अम्मा ही बोली यही कारण है बहुत जरूरी है ना। तो अम्मा ने कहा ये संसाधन है, ठीक है, अम्मा ने कहा ये संसाधन है, ठीक है, तो बात समझिएगा, अम्मा ने कहा ये संसाधन है, दीज आर रिसोर्सेस। संसाधन क्या है, अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा, अब रजुआ बोल रहे थे, है ना, करे संसाधन क्या है, व्हाट इज रिसोर्सेस। तो अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन। देख रहे हो कहानी के माध्यम से इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो, ये क्या एक तरह का निबंध है, एक तरह का एफ से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बात मुझे बतानी थी। तो हम लोग एनसीईआरटी बैच में यही कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के लिए हर तरह का, देखो कल मैंने लास्ट क्लास में मैंने मेन्स का क्वेश्चन करवाया प्रॉपर, किस तरह से आंसर राइटिंग करनी है, आज भी करवाऊंगा, ये चीजें कर रहे हैं हम लोग प्रॉपर, है ना। शुरू में मैं थोड़ा और ज्यादा समय दे रहा हूं ताकि आप एक बार बैलेंस बना सके, एक बार कोप अप कर सके। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है, स्पीड बढ़ती जाएगी, टफनेस भी बढ़ती जाएगी। तो व्हेन गोइंग गेट टफ, टफ गेट गोइंग, ठीक है, समझ लीजिए इस बात को। अभी तक कोप करते हैं, तो ये बात हो गई। अब ये बखेती कर रहा है कि अपने चारों ओर देखिए, बताइए कौन कौन संसाधन लिस्ट है, हमारा कोई काम का नहीं है। बात क्रिमियाजुला की बात ये आ जाती है कि एक वस्तु अर्थात पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बताती है। ये मैंने बात बता दी थी, मैंने कहा था
कि यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। तो यूटिलिटी हो या यूजेबिलिटी हो, या तो उसका यूज हो या तो उसकी यूटिलिटी हो, तभी वो क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट को रिसोर्स बनाती है। तो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट में अगर यूटिलिटी या वैल्यू आएगी या यूजफुलनेस आएगी तो हम बोलेंगे कि हाँ ये संसाधन है। ठीक है, ये बात समझ में आई, तो ये आप दिमाग में चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, अब रजुआ बोल रहा है कि भैया कैसे, हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, ये रजुआ क्वेश्चन पूछा है ना, कह रहा है कैसे बन जाती है वस्तु। तब अम्मा बता रही है कि कोई भी वस्तु, मैंने ये बात बताई, कोई भी वस्तु तब संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य हो जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि कच्चा तेल ऐसे ही पड़ा था, कोई यूज नहीं था उसका, तो वो वस्तु थी, वो क्या था, एक ऑब्जेक्ट था। लेकिन जैसे उसका यूज हुआ, जैसे उसका हमने पता लगा लिया कि यार बस इसको डिस्टिलेशन में डालो, देखो अभी कमाल हो जाता है, तुरंत हमने क्या किया, वो संसाधन बन गया। ठीक है, तो बात समझिएगा, तो मूल्य है ना, तो ये बात हो गई कि वैल्यू जब क्रिएट होती, जब कोई इसकी वैल्यू होती। अच्छा, अब वैल्यू का मतलब रुपया नहीं, वैल्यू का मतलब कैश नहीं, वैल्यू का मतलब नॉन कमर्शियल वैल्यू भी हो सकती है ना, तो कमर्शियल होगी, वाणिज्यिक भी हो सकती है और नॉन कमर्शियल यानी गैर वाणिज्यिक मूल्य भी हो सकता है। तो ये बात समझिएगा, ठीक है, तो वैल्यू दोनों तरीके से हो सकती है ना। तो मूल्य का अर्थ क्या है, महत्व है, मूल्य का अर्थ महत्व है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, मतलब किसी का इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जबकि कुछ का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। तो ये दोनों बातें हो गई, कुछ का आर्थिक मूल्य हुआ, कुछ का आर्थिक मूल्य नहीं हुआ। ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई कि स्टील का हो सकता है कोई आर्थिक मूल्य हो, लेकिन सुंदर दृश्य है ना, आप कहीं गए पार्क में और सामने अपोजिट जेंडर को देख के आप एकदम मनमोहित हो गए, है ना, दोनों होता है ना, तो स्त्रीलिंग पुरुषलिंग दोनों के साथ ऐसा होता है, तो क्या वो क्या है, वो संसाधन है, वो वैल्यू है। ठीक है, ये बात समझिएगा, तो वो क्या है, वो वैल्यू है ना, तो वो क्या है, पैसे वाली वैल्यू नहीं है कि पैसा देख के ऐसा देखने को मिला, नहीं, आप गए पार्क में बैठे थे, अचानक से दिख गया कोई सुंदर कुत्ता, दिख गया है ना, अपोजिट जेंडर गोली मारो, एक तो सुंदर सा कुत्ता दिख गया है ना, स्कूटी चला रहा था, तो क्या हुआ, स्कूटी चलाते हुए कुत्ता दिख गया आपको, वो वैल्यू हो गई। ठीक है, इस बात को समझा, कोई कार ड्राइव करता है वो कुत्ता दिख गया, वो भी वैल्यू हो गई है ना। एक तो यूट्यूब पे आजकल वीडियो ऐसे बहुत चल रहे हैं, एक तो कुत्ता वो क्या करता है, स्केटिंग करता है काफी बढ़िया, मतलब सिज्जू उस कुत्ते को बोलते हैं, मतलब मुझे इतना डिटेल में कुत्तों के बारे में पता नहीं है, वो क्या करता है, वो हाउ करता है स्केटिंग, बंदर कर रहे हैं स्केटिंग है ना, तो ये सब क्या है, वैल्यू वैल्यू है। ठीक है, तो इस बात को देखिएगा, ये क्या करते हैं, रिसोर्स क्या करते हैं, ह्यूमन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो मनुष्य की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो ह्यूमन रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति करते हैं, तो ये रिसोर्स कहलाते हैं, बात समझिएगा। अब बात आती है ना, तो यहां पे इस बात को बताया, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जाते हैं। तो कह रहा है जैसे दादी है, दादी का घरेलू नुस्खा है, दादी कह रही है कि आंवले में अचार डालो और अचार में दो गिलास पानी मिलाओ और पानी में आधा चम्मच जहर मिला दो और वो पी लो, तो पीने से तुम्हारी सारी बीमारी खत्म, ये व्यक्ति बचेगा नहीं, सारी बीमारी खत्म। ये जो दादी घरेलू नुस्खे हैं, ये क्या है, एक तरह का क्या ये संसाधन है, लेकिन अभी जब दादी का घरेलू नुस्खा था तो ये संसाधन कमर्शियल संसाधन नहीं था, वाणिज्यिक रिसोर्स नहीं था, ये क्या था, हम बस यूज कर रहे थे डेली, एक दो लोग को पिला दिया, मर गए, खत्म, कोई बीमारी नहीं बची है ना। लेकिन जब कोई कंपनी आई, एक कंपनी आई मोनसेटो करके, एक कंपनी आई यूपीएससी हिंदी, इसने कहा अब ये वाला जो दादी का रिसोर्स है ना, ये हम पेटेंट कराएंगे, ये हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे कि ये चीज मिलाकर पीने से आदमी कोई बीमारी नहीं रहती है, तो वो बन गया रिसोर्स, वो बन गया कमर्शियल रिसोर्स। और पेटेंट क्या होता है, देखो पेटेंट यही होता है, इसका तात्पर्य किसी विचार पर अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। तो आपने कोई विचार, या जनरली विचार का पेटेंट नहीं होता है, ठीक है, थॉट का कोई पेटेंट नहीं होता है, ये मतलब इंडिया में इस बात को क्लियर है, ठीक है, आइडिया का कभी पेटेंट नहीं होता है, ठीक है, इंडिया में खासतौर पे आइडिया पेटेंट नहीं है, ठीक है, इंडिया के जो पेटेंट लॉ है उसमें आइडिया पेटेंट नहीं है। तो इट मींस द एक्सक्लूसिव राइट, बस ये समझिए, पेटेंट का मतलब एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन इन्वेंशन, इतना ध्यान में रखिए, है ना, जो इंडिया, क्योंकि अभी ये एनसीईआरटी बच्चों को समझाने के लिए ना, क्लासेस वाले बच्चे समझ रहे हैं, हम लोग थोड़े बड़े हो गए तो ये बात क्लियर जाने, इंडिया में थॉट पेटेंट की कोई बात नहीं है। आपने सोचा कि अरे मैं ऐसी कंपनी बना दूंगा तो वो थॉट का आपको कुछ पेटेंट घंटा नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये बात कुछ नहीं होनी है, एकमात्र अधिकार है। आपने कहा ये दादी घरेलू नुस्खा, ये केवल मेरा है, कोई और यूज करेगा तो पैसा देगा, ठीक है। फिर कुछ कीवर्ड्स आते हैं जैसे टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी क्या है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल्स, यह किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का उपयोग प्रौद्योगिकी है,
ठीक है, तो बेसिकली आपने सुना होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो क्यों उसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां पर किसी काम को करने के लिए नवीनतम तकनीक का या स्किल का प्रयोग करना सिखाया जाता है। ठीक है, तो नवीनतम तकनीक है ना, न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी जो है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसका प्रयोग करना क्या होता है, टेक्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये बात समझिएगा। अब कह रहा है यहां पर दो चीज और है ना, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो कह रहा है क्या, टाइम एंड टेक्नोलॉजी, डबल टी टू टी, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ हिंदी वाले को, ठीक है, ताकि और होगा है ना, इंग्लिश वाला बगल में है, इसको मैं इतना जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बीच बीच में दिखा तो रहा हूँ आपको इंग्लिश वाला, ठीक है। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी दो महत्वपूर्ण रिसोर्स है जो किसी पदार्थ को क्या करते हैं, संसाधन में परिवर्तित करते हैं। आप ऐसे समझ लो, सिंपल सी बात है, मतलब बहुत ईजी बात है, तेल वाला, कच्चे तेल वाला, कच्चा तेल क्या था, समय के साथ और प्रौद्योगिकी दोनों चीज आई, जिसके कारण वो कच्चा तेल जो कि वस्तु थी, जो कि एक ऑब्जेक्ट थी, वो बन गई संसाधन में। ठीक है, दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है, लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, तो ह्यूमन इज द बेस्ट सोर्स, बात समझिएगा। ठीक है, तो ह्यूमन क्या सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है, क्योंकि यही क्या करता है, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है। प्रौद्योगिकी का उपयोगकर्ता कौन है, मानव है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई, जैसे जल विद्युत बनाने के लिए की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया, जिसे जल पीने के काम तो आता था, तो ऑब्वियस ही बात है पहले से ही एक रिसोर्स था, जल महत्वपूर्ण रिसोर्स था, लेकिन और महत्वपूर्ण कब बन गया, जब हमने क्या किया, जल बहता जल था, तेज गति से बहता जल था, उसका हमने क्या क्या प्रयोग करके उसको बना दिया, एक एनर्जी रिसोर्स, तो हमने एनर्जी रिसोर्स बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो है छोटका है, ये अपने मम्मी से गला मिल रहा है, कहा था कि हम रिसोर्स हैं, तो मम्मी कहीं पढ़बल लिखबत बन जाइब रिसोर्स है ना, ना ही पढ़बल लिखबत है जय राम जी की, तब रिसोर्स ना ही कही। ठीक है, तो ये बात समझेगा, तो ह्यूमन, ये जो कहानी बता रहा हूँ ना, बकैती सब काम की बता रहा हूँ, ह्यूमन कब रिसोर्स बनता है। ठीक है, ह्यूमन भी क्या है, जनरली एक ऑब्जेक्ट है, एक फालतू का व्यक्ति जो किसी काम को न करता हो, जो मनुष्य के लिए उपयोगी ना हो, क्या एक ऑब्जेक्ट है, नथिंग मोर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक वस्तु है, लेकिन जब उसके अंदर एक अच्छी हेल्थ हो, एक बढ़िया हेल्थ हो, ठीक है, स्वास्थ्य उसका अच्छा हो, मानव का स्वास्थ्य अच्छा हो, और स्वास्थ्य अच्छा हो, और उसके पास एजुकेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, पास समझ हो, प्रौद्योगिकी विकास करने की क्षमता हो, तो हेल्थ प्लस एजुकेशन ह्यूमन में मिलकर इसको क्या बनाते हैं, इसको ह्यूमन रिसोर्स बनाते हैं। तो ह्यूमन कब रिसोर्स होता है, जब वो हेल्थ और एजुकेशन की चीजों को ऐड करे, शिक्षा और स्वास्थ्य मानव में मिलकर उसको बनाते हैं मानव संसाधन। ठीक है, अब ये बात कह रहा है संसाधनों के प्रकार, तो बताया कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, तो प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव, ये बात मैंने बता दी थी। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, ये भी बात बता दी थी, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उसको उपयोग में लाए जाते हैं, उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे पानी है, पानी को सीधा उठा के पी गए, प्राकृतिक संसाधन हुआ। ठीक है, ये क्या, नेचुरल रिसोर्स है, बहुत ज्यादा संशोधन नहीं किया उसमें, क्या क्या थोड़ा छान दिया पनिया को, तो संशोधन नहीं किया, तो क्या क्या वो नेचुरल रिसोर्स हो गया। लेकिन हमने क्या किया, पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग कर दिया, H2 प्लस O2 ये बना दिया हमने ना, 2H2O ये हमने बना दिया, तो ये क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस बन गई, और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, एनर्जी में यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा संशोधन कर दिया ना, नेचुरल वाटर था, इसको इतना ज्यादा संशोधन कर दिया कि H2 बन गया, तो ये क्या हो गया, ये मतलब ये क्या हो गया, मैन मेड रिसोर्स बन गया। ठीक है, तो क्या बन गया, मैन मेड रिसोर्स या ह्यूमन मेड रिसोर्स ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा है, ह्यूमन मेड रिसोर्स ये बन गया। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्स ये बात मैंने बता दी थी है ना, अब बता रहा है कि इनको भी है ना, इनको भी नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। तो मैंने ये भी बात बता दी थी कि नेचुरल रिसोर्स भी दो तरीके के होते हैं। अच्छा, एक चीज समझना, कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे होते हैं जिनको सीधा सीधा उठाया यूज कर लेते, जैसे पानी सीधा उठा के पी गए, सरयू नदी पानी उठा के पी गए, गंगा नदी पानी उठा के पी गए। लेकिन कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनको पाने के लिए बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे शेल गैस का एक एग्जांपल ले लो, जैसे शेल गैस का अगर एग्जांपल ले लें हम लोग, ठीक है, शेल गैस दिख रहा है ना, शेल, तो ये क्या है, बेसिकली पत्थरों के बीच में, देखो ये पत्थर होते हैं बहुत सारे, इनके बीच में लेयर्स के बीच में ट्रैप्ड गैसेस होती हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है ना, ये होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन को निकालने के लिए तकनीक चाहिए, इसको बोलते हैं, तकनीक को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक ड्रिलिंग, या फिर आप इसको बोल सकते हैं फ्रीकिंग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज,
फ्रीकिंग। अब फ्रीकिंग को इंग्लिश में, हिंदी में फ्रीकिंग ही कहेंगे, इसके लिए कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, फ्रीकिंग या तोड़ना कह सकते हैं, और क्या है। तो क्षैतिज, क्षैतिज रूप से आपको क्या करना है, ड्रिलिंग करना है, ड्रिलिंग करना है। तो ये तकनीक भी चाहिए होती है, तो कुछ रिसोर्स निकालें, क्योंकि है तो ये नेचुरल रिसोर्स, गैस है तो नेचुरल रिसोर्स है भाई, सीधा यूज कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन इसको निकालने के लिए कई बार क्या होता है, हमें सोफिस्टिकेटेड जटिल तकनीकों की आवश्यकता हमें पड़ सकती है। ठीक है, तो ये बात भी हो गई। अब नवीकरणीय संसाधन भी बताया कि नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पूरित हो जाते हैं। तो देखो ये भी लिखा है, नवीकृत हो जाते हैं, जो या तो तुरंत ही न्यू हो जाए, नए हो जाए, है ना, रिन्यूड हो जाए, गेट रिन्यूड, और रिप्लेनिश्ड क्विकली, तो जल्दी से रिन्यूड हो जाए या नवीकरणीय हो जाए या पुनः पूरित हो जाए। कुछ क्या है, असीमित है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा, ये असीमित है ना, जबकि कुछ क्या है, हैं जनरली असीमित ही थे, लेकिन ह्यूमन ने अपने दुरुपयोग से क्या किया, उसको अनवीकरणीय बनाने पर तुला हुआ, जैसे जल, मृदा और वन। अब जैसे मृदा है, मृदा क्या है, समानता, मृदा भी नवीकरणीय संसाधन माना जाता है, रिन्यूएबल रिसोर्स माना जाता है, लेकिन इसको भी पूरा होने में, मतलब एक सेंटीमीटर अगर आपने मृदा खा गया, मृदा का आपने दुरुपयोग कर दिया, सैकड़ों साल लग जाते हैं इसको रिप्लेनिश्ड होने में, रिन्यूड होने में, रिप्लेनिश्ड होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। तो इस वजह से आप इसको गैर नवीकरणीय भी मान सकते हैं, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, है ना, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। तो भाई मैंने क्या कहा था, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी गैर नवीकरणीय रिसोर्स है, वो क्या है, लंबा समय लेते हैं, बहुत करोड़ों साल लेते हैं वापिस रिप्लेनिश्ड होने में। हो सकता है अभी एक कुल का पिंड गिरे, जितना स्टील विस्टील बॉडी है सब पिघल के वापिस पृथ्वी के अंदर चला जाए। अब जब नया मानव बनेगा तो वो क्या करेगा, इसको कहेगा नवीकरणीय रिसोर्स था, नहीं, करोड़ों साल में ऐसा होता है ना, करोड़ों साल बाद ऐसा होगा, पृथ्वी वापिस आग का गोला बन जाएगी, फिर धीरे धीरे ठंडा होगी, फिर धीरे धीरे वही प्रोसीजर होगा, चक्रीय गति चलेगी। ठीक है, ये बात समझिएगा। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स मतलब बहुत करोड़ों साल लग गया उसको रिप्लेनिश होने में, और रिन्यूएबल सोर्स मतलब जल्दी जल्दी, मतलब 10 साल 5 साल में भी अगर रिप्लेनिश हो जा रहा है, रिन्यूड हो जा रहा है, नवीकृत हो जा रहा है, पुनर्पूरित हो जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ये रिन्यूएबल सोर्स है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना बहुत बड़ी भागों में एक समस्या है। फिर है अनवीकरणीय संसाधन, इसके बारे में बता दिया है ना, मानव की जीवन अवधि से बहुत अधिक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनवीकरणीय संसाधन, जो रिप्लेनिश हो रहा है लेकिन बहुत समय लग रहा है, मानव की जीवन अवधि से ज्यादा समय लग रहा है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये बात देखिएगा। क्योंकि अब कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है वह भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। तो बहुत सारे फिजिकल फैक्टर हैं, बहुत सारे फिजिकल या आप कह सकते हैं इसको ज्योग्राफिकल फैक्टर हैं, जिन पर प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, वो बहुत सारे फिजिकल, है ना, फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। क्योंकि ये फिजिकल फैक्टर्स अलग अलग है पृथ्वी पर, इन कारकों में विभिन्नता है, इस कारण से इनका वितरण भी असमान है, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे आप देखोगे भारत क्या है, तेल, नेचुरल गैस भारत में बहुत कम है, भारत क्या करता है, आयात करता है, समझता, अपनी आवश्यकताओं का 80% हम आयात करते हैं, तो वितरण चूंकि असमान है इस वजह से हम इतना आयात करते हैं। ठीक है, अब आते हैं मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन क्या है, जब उनका मूल रूप बदल जाते हैं, तो कोई प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाता है, कुछ कुछ है ना, कुछ कुछ प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाता है जब उसका मूल रूप बदल जाता है। तो जैसे लौह अयस्क था, ठीक है, तो मिनरल था, आयरन मिनरल था, उसको हमने क्या किया, उसको हमने क्या किया, तुरंत तुरंत चक्कू बना दिया, इसे देखो गला काटने वाला चक्कू, सर्जिकल ब्लेड, ऐसा नहीं है कि ये चक्कू बना दिया, ये क्या हो गया, ये बन गया ह्यूमन रिसोर्स या मैन मेड रिसोर्स। ठीक है, मैन मेड रिसोर्स है ना, ये बात हो गई। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स और दोस्त ये हो गया था, हमने इसको डिस्कशन किया था, ह्यूमन मेड रिसोर्स हमने देख लिया था, जिसका ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। ठीक है, आयरन वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपुल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। तो आयरन ओर, जो आयरन ओर था वो तब तक रिसोर्स नहीं था जब तक लोगों ने उसके अंदर से आयरन निकालना नहीं सीख लिया, उसी तरह से कोयला वाला मैंने बात बताई थी। ठीक है, तो ये बात देखिएगा, इसको बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स, जैसे रोड, मशीनरी। ठीक है, तो ये बात हो गया। अभी कह रहा है टेक्नोलॉजी भी एक रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी भी क्या है, एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं किसी नेचुरल रिसोर्स को यूजफुल बनाने में। जैसे हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव संसाधन बनाते हैं, तो राजू बोला हाँ हाँ यही यही एकदम सही बात है। अब बोले ह्यूमन रिसोर्स, अब आते हैं लास्ट रिसोर्स यानी ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है,
लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब ज्ञान कौशल, ठीक है, यानी दे हैव नॉलेज स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो, ठीक है। तो जब लोगों के पास नॉलेज स्किल और टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, नॉलेज होगा स्किल होगा, ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये तीन चीज ये पता है। देखो एक बार और भी जैसे जैसे आप लोग में से अभी कई लोग होंगे आंसर राइटिंग करते होंगे ना, तो वर्ड्स फॉर्म नहीं होते होंगे, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो इस तरह से लैंग्वेज लिखने की प्रयास कीजिए, हिंदी मीडियम के हैं तो इस तरह से लिखें, बहुत आसान था। ऐसे तुम्हारे पास अगर इसका ज्ञान हो ना तो तुम इसको रिसोर्स बना सकते हो कि ये चीज है। और एक मैं बोल रहा हूँ, इस पास आपके पास ज्ञान होना चाहिए, पास कौशल होना चाहिए, पास तकनीक होनी चाहिए, तब आप किसी चीज को रिसोर्स बना सकते हैं। तो इन दोनों बात में कहने में लगता है कि हाँ यार बहुत अच्छा बोल रहे हैं, है ना, ज्ञान दिखता है आपके अंदर का। तो कोशिश यही करना है कि ज्ञान कौशल और तकनीक, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि ज्ञान कौशल और तकनीक बेसिकली क्या है आपका, ये होना चाहिए, ठीक है, मानव संसाधन बनाने के लिए। अब वही कह रहे थे तो डॉक्टर बैठी थी, डॉक्टर नाइन बैठी थी, अभी कह रही है कि सूखा न्यूज़पेपर पढ़ी, ए सूखा से इतना विनाश हो रहा, क्या मैं उससे कुछ कर सकता हूँ? तो इसको दिमाग में आया, हाँ यार कर सकते हैं, तो कुछ कुछ केमिकल वेमिकल मिलाई, है ना, कुछ केमिकल वेमिकल मिला बना दिए, तो बीज वैसा बीज बना दी जो सूखा से असर ही नहीं करता था उसके ऊपर, है ना, जेनेटिक बीज बना दी। अब देखो सब भाई सब नाचने लगे गाने लगे, अब डॉक्टर ये बीच में पहुंच गई है इन सब के, है ना, इन के बीच में पहुंच गई, ये कह रही भाई गजब हो गया, देखो अब तो, अब ये क्या बोल रहा है, हाई बोल रही है ये सब ज्ञान शिक्षा और कौशल के कारण ही संभव हुआ है कि हम इस सूखे का भी समाधान निकाल दिया। तो मानव ने आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में दिखाया था वो जगह अरत, याद है इजराइल की अरत जगह दिखाई थी सिटी, देखो रेगिस्तान में बसा दिया भाई, रेगिस्तान में जल वल सब की व्यवस्था कर दी ह्यूमन ने अपने दिमाग से, दिमाग की शक्ति का प्रयोग किया, ठीक है। तो ये बात समझिएगा, ये हो गया था मानव संसाधन, यहाँ पर देखिए क्या बताया, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है, मानसिक और शारीरिक योग्यता से है, यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मानव संसाधन है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है, है ना, तो बात ये समझिएगा कि मानव है संसाधन, नो डाउट, हम लोग को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि मनुष्य की जो कुशलताएं हैं, जो स्किल्स हैं, जो ह्यूमन स्किल्स हैं, वही क्या करती हैं, भौतिक पदार्थ जो हमारे सामने पदार्थ हैं उसको क्या करती हैं, संसाधन बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ह्यूमन स्किल्स बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो रिसोर्स, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट को क्या करता है, एक रिसोर्स बनाता है, तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स, रिसोर्स हम लोग मानेंगे, आंख बंद करके रिसोर्स मानेंगे, एनसीईआरटी में माना है ना, क्योंकि अभी बात है। लेकिन कैसे बनेंगे मानव संसाधन, तो लोग मानव संसाधन कैसे बनेंगे, जब शिक्षा और स्वास्थ्य उनको सही से मिले। तो ये बात भी मैंने बताई थी कि ह्यूमन को शिक्षा और स्वास्थ्य मिले, जैसे भारत देखो क्यों डिबेट जो था ना, वो क्यों था डिबेट कि ह्यूमन को रिसोर्स माना जाए कि नहीं माना जाए, वो डिबेट क्यों था, वो इस बात पर नहीं था कि ह्यूमन के पास स्किल है कि नहीं है और ह्यूमन जो काम कर रहा है उसको रिसोर्स माना चाहिए कि नहीं, नहीं, वो कह रहा है कई तो ह्यूमन ऐसा जो यूजलेस है ना, जो किसी काम के नहीं है, आप बीमार पड़े हो, मान लो आप करोड़ों वर्ष से बीमार पड़े हो, लाखों वर्ष आके आपकी उम्र हो गया, आप बीमार पड़े हो, उठ ही नहीं पा रहे हो, तो आप रिसोर्स थोड़े हुए, रिसोर्स हो जब आपने समाज के लिए कुछ किया, जब अपने लिए कुछ किया, जब दुनिया के लिए कुछ किया, अपने भी पैसा कमाया, समाज को भी कुछ बांटा, तब आप रिसोर्स कहलाए। कुछ नहीं कर रहे हो, खाली बैठे बैठे एक दूसरे की आलोचना कर रहे हो, है ना, आए यूट्यूब पर पब्लिक वीडियो देखा तो गाली लिख दी, आप रिसोर्स नहीं हो यार, आप वेस्टफुल रिसोर्स, ठीक है, आप अपनी चीजों को, अपनी क्षमताओं का दुरुपयोग कर रहे हो। रिसोर्स कब पकाओगे, जब रिसोर्स तब पकाओगे जब शिक्षा और स्वास्थ्य आपको अच्छी मिलेगी, आपको शिक्षा मिलेगी कि भाई देखो बदतमीजी नहीं करते हैं, कोई पढ़ा रहा है अच्छे से पढ़ा रहा है तो उसको समझते हैं, दिमाग में पहले से पूर्वाग्रह नहीं रखते हैं किसी व्यक्ति के प्रति, तो आप क्या हो गए, आप रिसोर्स का हो गए, ये बस समझिए। तो अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों को कौशल में सुधार करना ही ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट कहलाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या करता है, एचआरडी क्या कहलाता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट था पहले भारत में, अब इसको शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया। तो लोगों के कौशल में विकास करना यह कहलाता है। साथ ही हम लोग एक चीज देख लेते हैं यहां पर, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये चीज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, तो ये अपने काम आ जाएगा। मैं करंट अफेयर्स भी मैं कोशिश करता हूं साथ साथ में ऐड करने की, कोई भी वेबसाइट फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, उससे कोई घंटा हम लोग फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारे कंटेंट मेजर है। तो ह्यूमन कैपिटल, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी 2020 में, भारत की रैंक कितनी थी, 116, ये देखिए। तो जब हम ऐसा करते हैं, ये लेवल पे पढ़ाई करते हैं एनसीईआरटी की, तब हम मचाने वाले होता है, तब एग्जाम श्योर आएगा, तो हम कमाल कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यार मैंने एग्जाम, मतलब मैंने अभी तक कितने मेंस लिख लिए बताया आपको, 4 यूपीएससी के मेंस लिख लिए, 3 यूपीपीसीएस के मेंस लिख लिए, 7 मेंस लिखे मैंने, ठीक है, 3 बार इंटरव्यू दे दिया, ठीक है, 2 यूपीएससी का, 1 यूपीपीसीएस का इंटरव्यू, है ना, एक जगह सेलेक्ट भी हो चुका,
यार प्रॉपर अनुभव है तो मैं पहचान पाता हूँ कि हाँ यार यहाँ पर मुझे ये चीजें ऐड करनी है, यहाँ पे ये चीजें ऐड करनी है, तो वहां पे आपको बता रहा हूँ और आपका समय बच रहा है इससे। तो इंडिया की 116वीं रैंक है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में, और ये ह्यूमन कैपिटल जो वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया, तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार नॉलेज स्किल्स एंड हेल्थ दैट पीपल अक्यूमुलेट ओवर देयर लाइफ इनेबलिंग देम टू रियलाइज देयर पोटेंशियल एज प्रोड्यूस मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो ये कह रहा है ह्यूमन कैपिटल क्या है, बोला है मानव है ना, मानव पूंजी के बारे में बता रहा है। मानव पूंजी के बारे में क्या बता रहा है वर्ल्ड बैंक, कह रहा है कि ज्ञान कौशल और स्वास्थ्य, ठीक है, ये वो है जो, ये वह ज्ञान कौशल और स्वास्थ्य जो मनुष्य अपने पूरे जीवन के दौरान इकट्ठा करता है, ज्ञान कौशल और स्वास्थ्य जो मनुष्य ने अपने पूरे जीवन के दौरान इकट्ठा किया, जिससे वह अपनी संभावनाओं को पहचान पाता है ताकि वह समाज का एक उत्पादक सदस्य बन सके। तो उसको बोलते हैं लोग ह्यूमन कैपिटल, वो मानव पूंजी, ठीक है, ये बात समझिएगा। और जो 2020 वाली रैंकिंग आई थी उसमें बच्चों का डाटा देखा गया था, हेल्थ एंड एजुकेशन का डाटा, और इस आधार पे ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स बनाया गया था, ठीक है, तो ये बात देखेंगे। अब आता है संसाधन संरक्षण। अब कहानी बताया मोना ने एक बुरा सपना देखा, देखो इस तरह से आप लिखते हो ना अगर इंट्रोडक्शन ऐसे वैसे का, कमाल कर दोगे यार, कमाल कर दोगे। देखो कहानी किस तरह से कहानी बना रहे जो आप ऐसे में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यार एनसीईआरटी अपने आप में ना मतलब हर चीज यार, क्योंकि पता है आप कोई भी किताब पढ़ते हो, आप मान लो लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी, अब लक्ष्मीकांत क्या है, और लक्ष्मीकांत ने अकेले ने लिखी है, लेकिन एनसीईआरटी की पॉलिटी की किताब 10 बड़े बड़े प्रोफेसर, लक्ष्मीकांत से भी बड़े बड़े प्रोफेसर ने एक साथ मिलकर लिखी है, तो वो आपके लिए जो कंटेंट का काम करता है ना, वो किताबें नहीं कर पाएंगी भाई। यूपीएससी ऑथेंटिक सोर्स मानेगा, यूपीपीसीएस मानेगा, एनसीईआरटी को मानेगा, फालतू फालतू की किताबों को सोर्स थोड़ा ना मानेगा। कोचिंग के मटेरियल को तो यूपीएससी दोगे ना फाड़ के फेंक देख तुरंत, और तो गाली अलग आपको सुनाएगी, ठीक है। तो कोचिंग के मटेरियल को यूपीएससी हवा ही नहीं देता एकदम, बस बचेगा। अब ये देखो इंट्रोडक्शन कैसा लिख सकते हो, अगर ऐसा कुछ रिसोर्स पे आता है क्वेश्चन कि भाई प्रैक्टिक अब नहीं जागे तो नहीं अब नहीं जागे तो खत्म हो जाओगे, ऐसा कुछ मान लो ऐसे आ जाता है, लिख सकते हो कि नहीं कि मोना ने एक बुरा सपना देखा, उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया, सारे पेड़ कट गए हैं, वहां पर ना तो छाया थी ना खाने पीने के लिए कुछ था, लोग परेशान हो रहे थे। अम्मा क्या ये सच में हो सकता है, अम्मा ने कहा हाँ यदि हम सतर्क नहीं रहते हैं तो बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं, अनवीकरणीय संसाधन तो समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी का एक क्लोज सिस्टम है, तो अनवीकरणीय संसाधन तो निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं, और जो नवीकरणीय संसाधन है वो दुर्लभ हो सकते हैं, वो पॉल्यूटेड हो सकते हैं, जल को हमने क्या क्या पॉल्यूटेड कर दिया, तो अब पूछिए हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो अम्मा ने कहा बहुत सारा काम कर सकते हैं, ठीक है, तो ये बात बता रहे कि रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है, तो यहां पर आते हैं हम लोग, इंग्लिश वाला भी ओपन कर लेते हैं, है ना, हालांकि मैं बता रहा हूं प्रॉपर कीवर्ड प्रॉपर डिटेल में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन, मतलब भाई अच्छे तरीके से सावधानी पूर्वक सतर्कता पूर्वक है ना, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बचिए, है ना, ये वाले तरीके से रिसोर्स का यूज करना क्या होता है, ये वाले तरीके से रिसोर्स का यूज करना कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स कहलाता है, ठीक है, ये बात समझिएगा। तब देखिए टू द पॉइंट डेफिनेशन कितना शानदार दी हुई है ना, ये बात समझिएगा। और जब हम रिसोर्स का यूज करें, किसी संसाधन का यूज करें, तो वर्तमान आवश्यकताओं और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए अगर हम ध्यान में रख रहे हैं तो उस डेवलपमेंट को हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब अभी जो हम यूज कर रहे हैं ना उसको हम संतुलित यूज करें, है ना, संतुलित यूज करें, इस तरह से यूज करें कि भविष्य में दोबारा भी, भविष्य में भी उसका बचा रहे, वो बचा रहे भविष्य में भी, तो उसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो तरह का जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है, इस बात को देखिएगा। अब यहां पर देखिए प्रॉपर इस बात को बताया, अभी मोदी जी ने भी एक लगाया है, नया स्टार्ट किया लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ये ध्यान में रखना, मोदी जी ने जब ग्लासगो समिट हुआ है ना तो इस बात को बताया बहुत तरीके से रखा, उन्होंने 3P की अवधारणा दी, मैं इस बात को भी यहाँ पे ऐड करता हुआ चलता हूँ, तो मैं करंट वरेंट अपने तरीके से ऐड करता रहूंगा, आपकी चीजों को इनरिच करता रहूंगा, ठीक है, बस भरोसा दिखाइए और साथ में टिके रहिए बस, ठीक है, देखना कमाल रहेगा। तो 3P का कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने, कहा प्रो प्लानेट पीपल, प्रो प्लानेट पीपल है ना, ये बात उन्होंने कही मोदी जी ने, प्रो प्लानेट पीपल की बात कही 3P, उन्होंने कहा कि अब लोगों को ऐसा होना चाहिए ना कि वो प्रो प्लानेट हो,
हम अभी क्या है, अभी तक जिम्मेदारी चाहे वो जलवायु परिवर्तन से बचाने की हो चाहे कोई भी काम की जिम्मेदारी हम सरकार पे डालते रहते हैं कि सरकार ही करेगी, सरकार ही लाए, नेशनल मिशन फॉर इनहेंसिंग है ना एनर्जी कंजर्वेशन, सरकार ही नई नई चीजें लाए, सरकार ही नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज लाए, सरकार ही सारा काम करे, सरकार ही बनाए राष्ट्रीय उद्यान, सरकार ही बनाए बायोडायवर्सिटी पार्क, सरकार ही सब काम करे, हम कुछ नहीं करे, हमें बस खाने को मिल जाए, आराम से पैसा मिल जाए, समय मिल जाए कि अम्मा सही से जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे स्थिर करके यूट्यूब पर वीडियो देखा और कमेंटबाजी करें, कमेंटबाजी में बहुत आनंद आता है। तो अब मोदी जी कह रहे नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं काम चलेगा, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट होना चाहिए। और लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए, आप जिए ना तो एनवायरमेंट के लिए जीजिए। आप कोई काम करें, मान लो ये डिब्बा है, ये डिब्बा दवा खाई आपने, अब इस डिब्बे का यूज करिए वापस, इसमें कुछ पौधा लगा दो, कुछ ऐसा कर लो, फेंको मत। हमारे क्या होता है, हमारी इंडिया में इन्होंने बात बताई, मोदी जी ने कहा कि प्रो प्लैनेट पीपल, हम तो पहले से हैं, हमारे यहाँ क्या मोदी जी एग्जांपल देते हैं, बोलते हैं हमारे लोग पता है क्या करते हैं, लोग कपड़ा खरीदते हैं, जैसे ये शर्ट है, अब ये शर्ट ऐसा नहीं है कि मैंने 10 दिन पहनी थोड़ी सी घिसी मैंने फेंक दिया, यूएसए में क्या करते हैं 10 दिन पहना फेंक दिया, ये नहीं, हमारे क्या होता है ये शर्ट है घिसी थोड़ी सी घिसी, और मान लो बचपन की शर्ट है, सपोज मैं अभी फैल रहा हूँ, मान लो और मोटापा मेरे अंदर चढ़ रहा है, ठीक है, तो मैंने एक्सएल मान लो शर्ट पहनी है, अब मुझे डबल एक्सएल चाहिए, तो ये शर्ट क्या होता है अपने इंडिया में होता है ये छोटे भाई को दिला जाता है कि लो तुम पहन लो अब, है ना, तो वो पहनेगा, वहां से और घिसेगी और फटेगी शर्ट, तो फिर क्या होता है किसी गरीब को हम लोग दे देते हैं कि भाई चलो तुम ले लो तुम यूज कर लो। अच्छा मान लो गरीब को नहीं देते, हम क्या कर लेते हैं उसका घर पे ही पोछा हम यूज कर लेते हैं, कपड़े साफ करते हैं, तो हम इसको बार बार यूज करते हैं। नया मार्केट से क्या होता है, आजकल कंजर्वेशन, आजकल क्या है जो कंजम्पशन इकोनॉमी है, जो उपभोक्तावादी इकोनॉमी है, वो क्या करती है जाती है मार्केट से खरीद लेती है कपड़ा, है ना, साफ करने के लिए भी कपड़ा खरीद ली। हम लोग क्या करते हैं इंडिया में, क्या करते हैं हम लोग इसी कपड़े इसी शर्ट को हमने बना दिया पोछा, क्यों भाई धुल के, भाई कपड़ा साफ तो ये है ना, बढ़िया क्वालिटी कपड़ा है, इसको धुल के पोछा बना दिया, क्या दिक्कत है, घिसी पोछा बना दिया यूज कर लिया, इसी कहते हैं लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। अब देखो आते हैं मेंस पे, आज मेंस का वापस क्वेश्चन कराएंगे, और आप कहोगे सर पढ़ाते रहे भूगोल और बकैदी कर रहे हो इथिक्स की, ऐसे कैसे, तो यही होता है एथिक्स पेपर साथ साथ में ज्ञान भी लेते आप चलेंगे। एथिक्स पेपर का मतलब केवल एथिक्स पेपर नहीं है, एथिक्स का पेपर का मतलब है जितना आप पढ़ रहे हैं जितने एग्जांपल आप देख रहे हैं उसको एथिक्स में यूटिलाइज करें, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट से आपका एक क्वेश्चन आता था एथिक्स में, एनवायरमेंटल एथिक्स, पर्यावरण नैतिकता क्या है और आप अपने जीवन में कैसे पर्यावरणीय नैतिकता का पालन करते हैं, तो ये प्रश्न आ सकता है, नोट करिए, ठीक है ना। हाउ डू यू यूज एनवायरमेंटल एथिक्स इन योर डेली लाइफ, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंटल एथिक्स, आप पर्यावरणीय नैतिकता से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन नोट करिए। आप अपने दैनिक जीवन में कैसे पर्यावरणीय नैतिकता का प्रयोग करते हैं, ये प्रश्न आएगा, तो आपको बताना पड़ेगा मैं ऐसा करता हूं मैं वैसा करता हूं, ये बात बताएंगे तो कैसे बताएंगे आप, यहां पर लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट जैसे कीवर्ड यूज करके जो मैंने बताया प्रो प्लैनेट पीपल, मैं प्रो प्लैनेट पीपल हूं बोलना पड़ेगा आपको, आपको बताना पड़ेगा कि मैं जब कमरे से बाहर निकलता हूं तो मैं क्या करता हूं लाइट बंद करता हूं जिससे संसाधन संरक्षण रहे, क्या कर रहे हैं हम लोग। आप एनवायरमेंटल एथिक्स का क्या मतलब है ये मैं नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, ये एथिक्स का काम है, जब एथिक्स पढ़ेंगे तो देखेंगे, है ना, जब एथिक्स की क्लास करेंगे तो देखेंगे, वो डिसीजन छोड़िए। क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है क्या एनवायरमेंटल एथिक्स का यूज आप कैसे करते हैं अपने दैनिक जीवन में, तो आप कैसे यूज कर रहे हैं, संसाधनों को संरक्षित कर रहे हैं, संसाधनों को बचाना ही तो क्या है एनवायरमेंटल एथिक्स है, सिंपल सी बात है, पर्यावरण में सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है एनवायरमेंटल एथिक्स है, तो आप यही काम कर रहे हैं। आप कैसे कर रहे हैं देखो यहां पर बताया जस्टी ने कहा मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कागज व्यर्थ ना हो, तो आप क्या लिखेंगे मैं बहुत ही सतर्क रहता हूं कि कागज व्यर्थ ना हो, है ना, मैं आईपैड का यूज करता हूं, जैसे मैं तो झूठ मैं सच बोल रहा हूं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, आईपैड का यूज करता हूं, इतना चीज आपको कागज में पढ़ाता बोर्ड पे पढ़ाता तो कितना रिसोर्स बर्बाद करता, आईपैड पे पढ़ा रहा हूं अभी क्या करूंगा इसे रबड़ लेके देखो मिटा के यहां पर नई चीज लिख दिया हो गया, तो आप इज्जत को समझिए। तो मैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली होकर क्या करता हूं मैं स्मार्ट चीजें यूज करता हूं, कहने को आप लोग अब कमेंट में आलोचना शुरू कर सर आईपैड खरीदने में तो और ज्यादा इन्वायरमेंट का नुकसान हो रहा है, तो ठीक है मैं जैसे कर रहा हूं मैं वो बता रहा हूं कागज बचा रहा हूं, एक कागज बताने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काट देते हैं और बहुत सारा पानी बर्बाद करते हैं, एक पन्ना बनाने के लिए A4 शीट का मैंने कहीं पढ़ा था मुझे एग्जैक्ट श्योर नहीं है 140 लीटर पानी हम बर्बाद करते हैं एक पन्ना बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं मैं कागज दुरुपयोग नहीं करता हूं, है ना, ठीक है। फिर दूसरा मैं विद्युत व्यर्थ नहीं करता हूं, कहीं जाता हूं तो मैं लाइट ध्यान रखता हूं इस बात को इंश्योर करता हूं कि लाइट बंद हो जाए, या आप और बता सकते हैं बढ़िया से कि मैंने घर के बाहर एक स्विच लगाया अलग से कि मैं जब घर से बाहर निकलूं तो उस स्विच को दबा दूं ताकि अगर मेरे से गलती से, ये लिखिए ये तरीका होता है आंसर राइटिंग करने का जब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप क्या करते हैं, और ये वाले क्वेश्चन जो बहुत अच्छे से लिख देता है ना
उसको एग्जामिनर क्या होता है पूरे पेपर में नंबर बढ़ा के देता है। तो आपने कुछ इनोवेटिव आइडिया, भाई ये देखो जनरली सब लिख देंगे कि मैं विद्युत व्यर्थ होने से बचाता हूं, तो आपने बताया आपने कैसे बचाता हूं, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा था आप कैसे करते हैं, तो विद्युत बचाता हूं, ये कैसे बचाता हूं ये नहीं, आपने आंसर नहीं दिया था कैसे बचाते हो, तो आपने कहा मैंने एक स्विच लगाई है, जैसे मैंने बताया था मैं कागज व्यर्थ होने से बचाता हूं, तो मैंने ये बताया था मैं आईपैड यूज करता हूं ताकि कागज यूज ना करना पड़े, तो उसी तरह से विद्युत व्यर्थ होने कैसे बचाता हूं, तो मैंने रूम के बाहर एक स्विच लगाया है उसको ऑफ कर देता हूं, तो जो अगर कोई गलती से भी मटेरियल मतलब कोई उपकरण हो सकता है कि मैंने ध्यान ना दिया हो वो अगर छूट भी गया हो तो वो मेरे बाहर निकलते ही बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये आप क्या कर रहे हैं, एथिक्स इन योर डेली लाइफ आप यूज कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बात है, मैं विश्वास दिलाती हूं कि जल बेकार नहीं होगा, तो मैं कोशिश करता हूं कि मेरे घर का जल बर्बाद ना हो, मैं टैप की रेगुलर चेकिंग करता हूं, है ना, कि पानी बूंद बूंद ना गिरे, मैं क्या करता हूं मैं नहाता नहीं हूं एक एक महीना ताकि पानी बर्बाद ना हो, है ना, बस ऐसे लिखो आराम से, ठीक है। ये देखो ये चीज होता है, तो है ना, ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि संसाधनों का उपयोग सतत पोषण मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए मतलब बायोडायवर्सिटी कंजर्व किया जाए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और हानि कम से कम की जाए, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है इसकी हानि कम से कम की जाए। अब यहाँ पर पूछ भी रहा है आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक मीन्स का क्वेश्चन है कि आप कैसे करते हैं नेचुरल कंजर्वेशन, आप कैसे करते हैं संसाधन संरक्षण, तो यही हो गया हमारे पास आंसर। अब यहां पर है सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत, ठीक है, तो ये हम लोग देख लेंगे, सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो कुछ प्रिंसिपल है ये दिमाग में रख लीजिए, 6 प्रिंसिपल है, पॉइंट वाइज याद कर लीजिए, यूपीपीसीएस में खासतौर पर मेंस में ये प्रश्न पूछता है सीधे सीधे, ठीक है, यूपीपीसीएस, क्योंकि भाई देखो क्वेश्चन जनरली एनसीईआरटी से बनते हैं, मैं ये नहीं करूं सारे एनसीईआरटी बन जाएंगे, 100% एनसीईआरटी पढ़ लिया आईएएस बन गए, ऐसा गारंटी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इस बार की रैंक 9 देखेंगे, रैंक 12 देखेंगे, इन लोगों ने क्लियर कहा है कि मैंने तो कोई और सोर्स नहीं यूज किया, मैंने कहीं कोचिंग नहीं की, मैंने एनसीईआरटी 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ी, इन्होंने तो क्लियर ये बात कही है, आप देखिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो यूपीपीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 किसी में भी, कि सतत पोषणीय विकास के प्रिंसिपल्स को बताइए, यूपीएससी में भी पेपर 4 में क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो क्या होगा, जीवन के सभी रूपों का आदर करना, रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मतलब ऐसा नहीं है कि मानव को चोट देखा लगा कि एक व्यक्ति रोड पे गिरा था उसको चोट लगी हुई थी तो दुखी हो गए, ठीक है यार बहुत दर्द हुआ, लेकिन एक कुत्ते को किस उठा के पत्थर मार दिए टंगरी तोड़ दिए, तो सभी फॉर्म ऑफ लाइफ को आपने रेस्पेक्ट करना है, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना मतलब इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, अब ये कैसे करेंगे, ऑक्सीजन अच्छे से मिले, पर्यावरण साफ हो, रोज योगा करेंगे, ये सब करेंगे, तो ये हो गया दूसरा। तीसरा का पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, कंजर्व द अर्थ विटैलिटी एंड डायवर्सिटी, तो ये बहुत तरीके होते हैं इसके करने के। चौथा होता है प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो रीयूज करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, ये सब करेंगे। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, इसी को मैंने क्या कहा था लाइफ, मैंने नहीं कहा था बेसिकली, मोदी जी ने इसे कहा था लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसी को मोदी जी ने कहा था लाइफ। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बना, तो इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर एनवायरनमेंट, तो भैया कम्युनिटी को ऐसा करेंगे कि वो अपने एनवायरनमेंट की देखभाल करने के योग्य बन सके, ठीक है, ये हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, देखेंगे क्या करेंगे आप ही, मैं बस दिखा दूंगा कि देखो ये करवाया, ये सब हो गया। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है, क्यों वितरित है बताओ, क्योंकि भाई भौतिक कारक होते हैं संसाधनों के वितरण के, जिसमें जलवायु, मृदा, बनने की तंत्र, हाइड्रोलॉजी सब आते हैं, ये सब जगह अलग अलग है, है ना, इस वजह से वितरण अलग अलग है। संसाधन संरक्षण क्या है, तो सतर्कता पूर्वक, ने कहा था सावधान रहे सतर्क रहे वही वाला, सतर्कता पूर्वक उपयोग करना ताकि उसको रिप्लेनिश्ड होने का अवसर मिल सके, उसको कहते हैं संसाधन संरक्षण। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है, तो टू द पॉइंट अपनी बात लिख सही है कि ये क्या करता है, ये किसी भी प्राकृतिक संसाधन को यूजफुलनेस प्रदान करता है, ठीक है, ये हो गया। सतत पोषणीय विकास क्या है, ये भी बता देंगे कि भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए दोनों को ध्यान में रखते हुए विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो आप आराम से इस बात को कर लेंगे। ये देखिए एक दोहा भी दिया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, ठीक है, यहाँ पर पानी का दो दो मतलब है, श्लेष अलंकार है, कहोगे सर हिंदी लिटरेचर गति कर रहे हो, पानी का एक मतलब है पानी मतलब जल, और दूसरा मतलब है पानी मतलब विनम्रता, तो आपको दोनों रखना चाहिए, बिन विनम्रता के भी सब सुन है और पानी के बिना तो सब सुन ही है, तो रहीमन दो दो कर रहे हैं, ठीक है,
प्रॉपर बताए, कवि किस प्रकार के संसाधन की ओर संकेत कर रहा है, इस संसाधन के समाप्त हो जाने पर क्या होगा, 100 शब्दों में इसको लिखिए, प्रॉपर लिखिए इसको कि क्या होगा इस संसाधन संरक्षण। ठीक है, अगला आता है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे, भूमि मृदा है ना। अच्छा, कई लोग इस बात को चिंतित होंगे, सर हमारी स्पीड तो स्लो नहीं चल रही। नहीं, बिल्कुल नहीं स्लो चल रही है, आपने करीब 16-18 चैप्टर कंप्लीट कर लिए है ना, एनसीईआरटी की बैच बिल्कुल समय पे चल रही है, एकदम कोई पीछे नहीं हम लोग है ना। और देखो शुरू में बहुत स्पीड में कराएंगे ना तो हवा भी नहीं लगेगी, तो जैसे करा रहे हैं डरिए मत, समय पे सिलेबस कंप्लीट होगा, हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, घबराना नहीं है, इतना डिस्कशन जरूरी है, क्योंकि अब क्या है ना, अभी देखना आप इसमें देखोगे इस चैप्टर में आधी चीजें मैंने पहले बता रखी है, बस मैं बताते रहूंगा कि देखो ये पहले बताया था, ये तो पहले बताया था, ये बता दिया था। देखो ये भी देखो ऐसे में उपयोग इसका भी आप कर सकते हो ना, देखो प्रॉपर, जैसे मान लो कोई ऐसे रहता है एग्रीकल्चर पर, एग्रीकल्चर पर क्वेश्चन आता है कि भारतीय कृषक मरने को क्यों मजबूर है, मरने को क्यों मजबूर है ना, या भारत में कृषि वरदान या अभिशाप, या भारत में कृषि या जय जवान जय किसान, ऐसा आ जाता है कुछ क्वेश्चन। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह का इंट्रोडक्शन यूज कर सकते हो। अब इस तरह का इंट्रोडक्शन मतलब यहाँ पे तंजानिया की जगह भारत कर दो, यहाँ पर न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड रन दो। आपने क्या किया, दो सिचुएशंस को तुलना कर दी कि एक तो न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड में इतना बढ़िया बढ़िया हो रहा है प्रॉपर, भारत में कृषक की हालत बहुत खराब है, आपने इस तरह से बता दिया। तो ये भी क्या होता है, ऐसे लिखने का तरीका होता है। तो एनसीईआरटी का जो इंट्रोडक्शन है ना हर चैप्टर का, ये आपके लिए कई सारी स्टोरीज तैयार कर सकता है जो आप ऐसे में यूज कर सकते हो। तो बहुत महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी एसेज के लिए भी, ठीक है, ये बात समझिएगा, एसेज के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन चीजों को आप यूज कर सकते हैं ऐसे में है ना। और जब मैं आपको पढ़ाने के लिए पढ़ता हूं तो मैं प्रॉपर इस चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ता हूं। ठीक है, तो कृषि आदि पर अगर कोई ऐसे आता है तो आप इसको कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो वही कहानी बताया कि तंजानिया में है ना छोटी झोपड़ी है, उसके पास चट्टानी भूमि है, मक्का और सेब बहुत ही थोड़ा सा उगा पाते हैं, इतना उगा पाते हैं कि साल भर खाने के लिए भी ये मम्बुआ के पास पर्याप्त नहीं है ना। हालांकि उसको ही नहीं पता है कि वहां पे तो और जगह है, क्या जगह, वकांडा, वकांडा जगह है, सुना है कभी वकांडा का नाम, सर्च करिएगा गूगल, वकांडा ऐसी जगह है जहां पे वाइब्रेनियम पाया जाता है, ऐसा बकैती है, ऐसा कुछ नहीं होता है लेकिन कहानियों में होता है, उसको पता रहता है वकांडा भी अफ्रीका में है, तो अभी देखो कैसा लिखता है। ठीक है, इसने देखा पीटर वाइट है न्यूजीलैंड में, वो देखा कि नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक विधि से प्रबंधन कर रहा है, जैविक कृषि द्वारा ये सब्जियां भी उगाता है। तो दो विभिन्न स्थान पर रहते हैं लेकिन जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है, इनके क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अंतर है। ठीक है, अब क्यों बहुत अंतर है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, रहने के लिए और जीवन की गुणवत्ता के लिए, ये बताया था मैंने, समतल भूमि जल, बोलिए समतल भूमि जल, फर्टाइल सॉइल, बताया था ना, उपजाऊ मृदा, ये सब चाहिए, यहां पर ये सब चीज नहीं थी उतनी है ना, झोपड़ी में रहता है, ठीक है, चट्टानी भूमि है, जल इनके पास नहीं होता है, ठीक है, जल इनके पास नहीं होता है, भूमि ऐसी है कि केवल मक्का और सेम थोड़ा ही उगा पाते हैं, उपजाऊ भूमि नहीं है, फर्टाइल सॉइल नहीं है, तो इनका हालत खराब है। लेकिन इनकी हालत अच्छी है, क्यों, इनके पास सब चीज बहुत बढ़िया बढ़िया है, जैविक कृषि कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही है नमूने, ठीक है। तो क्या है, क्यों अंतर है इन दोनों के लाइफ स्टाइल में, क्योंकि भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणी, ये भौतिक कारक मतलब फिजिकल फैक्टर या फिर आप कह सकते हो नेचुरल फैक्टर्स अलग है, प्लस तकनीक भी अलग है। तो ये क्या है, मैनमेड फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर प्लस मैनमेड फैक्टर दोनों, यानी भौतिक कारक और मानव जनित कारक दोनों मिलकर क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। तो वैसा अगर कोई क्षेत्र है, कोई ऐसा क्षेत्र है अगर, ठीक है, कोई अगर ऐसा क्षेत्र है जहां पर, ठीक है, जहां पर तकनीक का बहुत बढ़िया यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको अरल सिटी दिखाया था, मैं वापस दिखाता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, एकदम रेत के बगल में है ना, कई लोग होते हैं कि पहली बार आशीर्वाद देखते हैं, तो उन लोग के लिए भाई बहुत इंटरेस्टिंग क्लास बनाई जा रही है, अरद इसराइल देखो दिखाया था आपको प्रॉपर, ये देखिए प्रॉपर सिटी है ये, और ये नेगेव मरुस्थल के बीचों बीच बना हुआ है, देखो ये देखो प्रॉपर सिटी कितना बढ़िया घर, यहाँ पे देखो पूरा सोलर पार्क, एलमंड ट्री, यहाँ देखो भाई बादाम बो दिए ससुरे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिख रहा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये रेगिस्तान के बगल में देखो क्या बना दिया। अब देखो रेगिस्तान अफ्रीका में भी रेगिस्तान था जो हमने देखा था, अफ्रीका में भी रेगिस्तान देखा था, और एक हमने यहाँ भी रेगिस्तान देखा, पूरा रहने के लिए जगह, स्विमिंग पूल वूल सब बना दिया भाई, सोचो इस पूरे शहर में स्विमिंग पूल वूल सब बना दिया है ना। तो ये भी तो नेचुरल रिसोर्स यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी
जल नहीं है, समतल भूमि नहीं है, रेत है, ये सब है, तो अफ्रीका और यहां के रहने में इतना अंतर क्यों? अंतर इस वजह से है क्योंकि इन्होंने तकनीक का उपयोग किया है। तो मैंने क्या बताया, जीवन की गुणवत्ता के लिए एक होता है आपका नेचुरल रिसोर्स प्लस कैपिटल, मतलब आपका टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स, तो दोनों महत्वपूर्ण है जीवन की गुणवत्ता के लिए। देखो कितना बढ़िया इन्होंने ये सिस्टम बना रखा है, ठीक है। तो अर्थ सिटी बहुत इसके बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। यहां पर देखेंगे, अब बात वही कर रहा है कि हम उन संसाधनों के बारे में बात करते हैं जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। तो अब कह रहा है भूमि, लिथोस्फीयर में सारी चीजें डिस्कशन की थी, जब स्थल मंडल पढ़ाया था हर चीज डिस्कशन की थी, केवल अब रीड करके आगे बढ़ जाऊंगा बताते हुए कि देखो ये किया था, तो दोबारा नहीं, डिस्कशन प्रॉपर किया था। भूपृष्ठ के कितने भाग पर भूमि है? 30% भाग पर, है ना। तो जो हमारा सरफेस है, सरफेस के कितने परसेंट भाग पर भूमि है, ठीक है, तो कितने भाग पर है? 30%। क्या लिखा है? अबाउट 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, ये है भूमि, ठीक है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है। तो लैंड और क्लाइमेट के अलग अलग लक्षण जहां पर है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेरीड कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट, इस वजह से अलग अलग जीवन पाया जाता है। ये भी मैंने डिस्कशन किया था कि देखो अमेजन में क्लाइमेट ऐसा है, वहां पे लोग ऐसे रहते हैं, बताओ डिस्कशन किया था कि नहीं किया था। सवाना क्षेत्र में ऐसे लोग रहते हैं, भारत में गंगा यमुना के मैदान में ऐसे लोग रहते हैं, सब चीज डिस्कशन की थी, कुछ नया नहीं है। और इसी कारण जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। भाई उबड़ खाबड़ सकता है जहां पे पानी ना हो, है ना, लोग कम रहेंगे, समतल भूमि है घाट नदी घाटी में ज्यादा लोग रहेंगे, तो सिंपल सी बात है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों यानी रिवर वैलीज और फर्टाइल लैंड्स में जहां पर कृषि के लिए अच्छी भूमि उपलब्ध है, वहां पर विश्व के सबसे सघन बने क्षेत्र है। सिंपल सी बात है, बहुत टफ नहीं है। अब आता है भूमि उपयोग, भूमि उपयोग मतलब लैंड यूज, ठीक है। तो अब लैंड यूज की बात करते हैं हम लोग, ये हमारे लिए अपने आप में एक प्रश्न बन जाता है, ठीक है। तो लैंड यूज का मतलब भूमि का उपयोग कैसे कर रहे हो। तो जैसे यहां पे जहां पे मैं हूं, यहां पर भूमि का उपयोग हमने भवन बनाने में किया, कहीं पे हम क्या करते हैं कृषि करने में करते हैं, कहीं पे हम क्या करते हैं वन वन लगा देते हैं, कहीं पे हम क्या करते हैं चारागाह, मतलब हम क्या करते हैं, है ना, पेस्चर लैंड में बना देते हैं। तो भूमि के हम बहुधा प्रयोग कर रहे हैं, वही होता है लैंड यूज। तो किस लिए आप भूमि का उपयोग कर रहे हैं? अच्छा, अब ये जो भूमि का उपयोग है, जो है भूमि का उपयोग, ये भौतिक कारकों और मानवीय कारकों पर निर्भर करता है। तो यानी फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है, डिटरमाइंड बाई द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाई फिजिकल फैक्टर्स एंड कौन सा ह्यूमन फैक्टर्स, दोनों पर निर्भर करता है द यूज ऑफ, ठीक है, द यूज ऑफ लैंड। क्यों? अभी हमने देखा फिजिकल फैक्टर क्या थे, समतल भूमि, ये वो। तो न्यूजीलैंड में जो न्यूजीलैंड में पीटर हुआ था, वो खूब बखेती कर रहा था, उसका यूज क्या था, वो बड़ी सी फार्मिंग कर रहा था बड़ा सा, और क्या कर रहा था वो जैविक कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहा था। लेकिन मंबवा जो है, मंबवा क्या कर रहा था, उसके पास भाई भूमि सही से नहीं थी, तो वो दूसरे तरीके से यूज कर रहा था। लेकिन अर्थ सिटी हमने देखा, वहां पे क्या किया, ह्यूमन फैक्टर ने क्या किया, नेचुरल फैक्टर को ओवरकम कर दिया। तो सारी चीजें कौन कौन सी चीजें, स्थलाकृति, मृदा, है ना, मतलब टोपोग्राफी, सॉइल, जलवायु मतलब क्लाइमेट, खनिज मतलब मिनरल्स, और जल की उपलब्धता, ठीक है। तो जल की उपलब्धता, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो ये सब चीजों पर डिपेंड करता है। और ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी भी डिपेंड करता है लैंड यूज पैटर्न का। तो लैंड यूज पैटर्न हमने देखा था, लैंड यूज पैटर्न क्या है, हमने देखा अर्थ सिटी में कैसा है, और हमने देखा यहां पर नॉर्मली कैसा होता है। फिर अब कह रहे हैं लैंड को, जो भूमि है उसको हम या तो निजी भूमि में बांट सकते हैं, प्राइवेट लैंड, है ना, तो इन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पे, ऑनरशिप के आधार पर हम प्राइवेट लैंड कह सकते हैं या कम्युनिटी लैंड या सामुदायिक भूमि कह सकते हैं। सामुदायिक भूमि समुदाय प्रयोग करती है, मतलब कम्युनिटी प्रयोग करती है अपने चारागाह के लिए, जैसे आपने गांव में बहुत ज्यादा देखा होगा, वहां पे भवन वन बने होंगे, पंचायत भवन वन, ये सब क्या होता है, सामुदायिक भूमि होती है। तालाब बना होगा, ये सब क्या होता है, सामुदायिक भूमि होती है, कम्युनिटी लैंड होता है। जबकि शहरों में आप देखेंगे प्राइवेट लैंड होता है, यहाँ पे सामुदायिक भूमि समानता नहीं दिखती है। तो पार्क वार्क आपको दिख जाएगा बस, जैसे अम्बेडकर पार्क, है ना, नौका बिहार, ये सब दिख जाएगा आपको। इस समुदाय भूमि में को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहते हैं। तो जहां पर हमने कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स के लिए जो भूमि है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये बात भी हो गई, है ना। अब क्या है, मानव ने तो भूमि के बारे में समझ लिया, अब क्या है, मानव की डिमांड बढ़ती जा रही है। ये बात मैंने ग्राफ से भी समझाई थी लास्ट क्लास में, बोलिए
समझाई थी, हमारे पास संसाधन इतना है, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो बढ़ती हुई डिमांड कैसे पूरी करेंगे? या तो हम संसाधन बढ़ाएं तब डिमांड पूरी होगी, या फिर संसाधनों का उपयोग कम करें या सही से उपयोग करें। तो मानव ने क्या किया, संसाधनों को बढ़ाने के लिए गलत तरीके का प्रयोग किया। कैसे गलत तरीके का प्रयोग किया? मानव ने क्या किया, जो कम्युनिटी लैंड था उसका क्या किया, पर्सनलाइजेशन करना, चोरी कर दिया। उसने क्या किया, आर्द्रभूमि के ऊपर कब्जा कर लिया, नदी घाटी में रास्ता रोक दिया, है ना, जैसे रामगढ़ ताल किनारे जगह या बहुत सारे छका दिए हैं, सब भर दिए हैं रामगढ़ ताल पूरा। ये क्या है, बेसिकली हमने क्या किया, दुरुपयोग किया, और इससे क्या हो रहा है, भूमि हमारी निम्नीकरण डिग्रेड हो रही है, है ना, हमारी भूमि क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है, लैंड डिग्रेडेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी आ रही है। तो ये बात हो गई हमारे पास, ठीक है। तो इस मानव के दुरुपयोग ने क्या किया, अनाधिकृत हस्तक्षेप ने क्या किया, है ना, वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण मतलब डिग्रेडेशन, भूस्खलन लैंडस्लाइड, मृदा अपरदन मतलब सॉइल इरोजन, मरुस्थलीकरण मतलब डेजर्टिफिकेशन पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरे हैं। तो भूमि के समक्ष ये सब खतरे आपको दिखेंगे, ये सब खतरे भूमि के समक्ष दिख रहे हैं। तो ये देखिए मानव ने कितना भयानक यूज किया, पहले कृषि के लिए बनाया, चराता था, फिर उसका ट्रैक्टर वैक्टर लाया, फिर उसका सिटी बना दी, अब भयानक सिटी बना दी। तो भूमि का यूज आप देख रहे हैं कितना भयानक चेंज हो रहा है, ठीक है। अब कह रहे भाई भूमि संसाधन का संरक्षण बहुत जरूरी है, ठीक है, संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं भाई भूमि का, ठीक है, भूमि का हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है, हो गया। अच्छा हो गया, भूमि का हम बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है। आपकी क्लास थोड़ी अब 1 घंटे 45 मिनट के आसपास चलेगी, 1 घंटे 30 मिनट 45 मिनट, 2-2 घंटे भी चलेंगी, डेढ़ गुने स्पीड पे सुनिए, आराम से समझ में आएगा, इसलिए चलेंगी क्योंकि जो कंटेंट क्वालिटी चाहिए वो कंटेंट क्वालिटी, ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में कंप्लीट करा दूं, मैं पूरा एनसीईआरटी, है ना, प्रॉपर समय देके आपको सोचने समझने का समय देके वैल्यू एडिशन करके करवा रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर बीच में बातें भी कर रहे हैं ताकि आप मोटिवेटेड भी रहे ना, बातें मैं जानबूझ के कर रहा हूं ताकि आपको मोटिवेशन मिलता रहे, डीमोटिवेट ना हो पढ़ पढ़ के, इस वजह से भी मैं बातें करता हूं इधर उधर, जो 2 मिनट जैसे लोग कई लोग सोचते होंगे ना एकदम, कई लोग की रोटी हमेशा तनी होती है, ऐसे होते हैं पैदा ही ऐसे होते हो, अभी क्या करते हैं, है ना, बचपन में शंख पुष्पी और अखरोट अखरोट खाए रहते तो दिमाग प्रसन्न रहता, बचपन में ऐसा रहा नहीं माहौल, है ना, तो क्या होता है, चिड़ बैठे ही रहते हैं, 1 मिनट में नहीं उधर की बात की, सर सीधा टॉपिक पे आइए, अब यार मेरी आदत है यार, थोड़ा तो बकैती करूंगा मैं, है ना, लगातार पढ़ा पढ़ा के यार मैं भी इंसान हूं, है ना, लाइव पढ़ा भी नहीं रहा, लाइव पढ़ाता तो बकैती ज्यादा करता। अब 2 घंटा आप लोग लेक्चर करोगे 1.5 घंटा एकदम बोर हो जाओगे लगातार, अगर लेक्चर सीधे मैं रीड करके आगे बढ़ते जाऊं ना इधर उधर, इसीलिए बीच में ऐसे मैंने भिड़ाया, बीच में मेंस का क्वेश्चन इसीलिए कराया कि थोड़ा सा आपका माइंड और फोकस हो जाए अचानक से, बीच में मेंस का क्वेश्चन इसीलिए कराता हूं कि अचानक से और फोकस हो जाए माइंड और फोकस हो जाए, ठीक है। तो इस बात को समझिए, है ना, तो भूमि संसाधन का संरक्षण, ठीक है, भूमि संसाधन का संरक्षण, एक सेकेंड मुझे डाटा नोट करना है, 1 घंटा 16 मिनट, ठीक है। तो भूमि संसाधन का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स कैसे करेंगे भाई भूमि संसाधन का संरक्षण, तो क्या करेंगे, या तो जो दुरुपयोग हो रहा है उसको कम करें या नई भूमि लाएं, यही तो ऑप्शन है। तो दुरुपयोग कम कैसे करेंगे, तो वन रोपण अफॉरेस्टेशन, भूमि उद्धार, क्या लिखा है, अफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, भाई कई भूमि हमने बंजर कर दी उसको वापिस रिक्लेम करिए, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, तो ने क्या किया, रासायनिक कीटनाशकों से बहुत ही नुकसान पहुंचाई भूमि को, तो उसका रेगुलेटेड यूज करेंगे, है ना, अतिचारण पर रोक करेंगे, ठीक है। तो जो क्या ओवरग्रेजिंग हो रहा है, जो ओवरग्रेजिंग हो रहा है उसको रोकेंगे, है ना, तो क्या होगा, लैंड रिसोर्स हमारा कंजर्व होगा। ये कॉमन मेथड्स हैं कुछ लैंड रिसोर्स यूज करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे मेथड है कि भाई शहर बसाना है तो शहरों को वर्टिकल बनाया जाए, हॉरिजॉन्टल विस्तार से बढ़िया शहरों को वर्टिकल बनाया जाए, ये भी एक तरीका, तो बहुत सारे तरीका, इसको हम लोग बोलते हैं न्यू अर्बनाइजेशन, नव शहरी का, है ना, ऐसा शहर बनाए, वर्टिकल शहर बना दे, उसमें कोशिश करें वर्टिकल गार्डन भी बनाते हैं, ग्रीनरीज गार्डन भी वर्टिकल, ऊंचाई वाले खूब ऊंचे ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स बोलते हैं उसको, ये सब बनाए। अब होता है मृदा, अब अगला है मृदा का संरक्षण, सॉइल, सॉइल के बारे में देखते हैं, सॉइल क्या, पहले हमने भूमि के बारे में देखा, सॉइल के बारे में देखते हैं, पृथ्वी के पृष्ठ पर सरफेस ऑन द अर्थ जो दानेदार कण होते हैं, ठीक है, तो ग्रेनी सब्सटेंस, The thin layer of grainy substance covering the surface of earth is called soil. तो दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है, जो भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है, ठीक है, तो ये बात समझिएगा, तो मृदा क्या है, ये है ना, ये बात समझिएगा।
तो मृदा की डिफिनेशन यह याद भी कर लीजिए, स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं, स्थल रूप, ठीक है। तो लैंड फॉर्म जो होते हैं वो टाइप ऑफ सॉइल डिसाइड करते हैं। अभी देखेंगे कैसे करते हैं, मैं थोड़ा सा इस बात पर चर्चा करूंगा 2 मिनट, है ना। पहले एक बार रीड कर लेते हैं फिर चर्चा करूंगा। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है, ठीक है। तो मृदा का पदार्थ जो पैतृक चट्टान है, मतलब जो पेरेंट रॉक है, पेरेंट रॉक, इससे और इसके अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं इससे होता है। यह अपक्षय यानी वेदरिंग प्रोसेस से बनती है, है ना, वेदरिंग प्रोसेस से बनती है। और मिनरल्स और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मिनरल्स और जैव पदार्थ, खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो ये बात अब देखते हैं लोग। देखिए वेदरिंग मैंने बता दिया था ऑलरेडी, मैंने बताया था वेदरिंग फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग, बताओ पता ना, टूटना चटकना और वहीं पर रुकना वेदरिंग कहलाता है। तो क्या होता है जल्दी, पृथ्वी अर्थ के अंदर क्या था, ऐसे समझो अर्थ के अंदर ये मैग्मा था, मैग्मा पृथ्वी के ऊपर आया, इसकी वेदरिंग हुई, तो ये छोटे छोटे कणों में टूट गया, बहुत छोटे छोटे महीन महीन कणों में टूट गया, और इसके बाद ये क्या बना, ये मृदा का आवरण बना, इस पे पौधे आए, ऑर्गेनिक सब्सटेंस आया, ठीक है, घास आई, ये घास डिकम्पोज हुआ, इसमें इसमें कुछ कीड़े मकोड़े आए वो डिकम्पोज हुए, ये धीरे धीरे इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल ने मिलकर इसको क्या किया, इसको उपजाऊ यानी फर्टिलिटी प्रदान की, फर्टिलिटी प्रदान की, ठीक है, ये बात समझिएगा, उपजाऊपन प्रदान किया। अब ये जो मृदा का क्या बोला था, यहां पे एक स्टेटमेंट था, सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, हो गया क्या लिखा था, क्लोजली लिंक टू लैंड एंड लैंड फॉर्म्स, यहां लिखा है इट इज क्लोजली लिंक टू लैंड, लैंड फॉर्म डिटरमाइंस द टाइप्स ऑफ सॉइल, तो लैंड फॉर्म्स जो होते हैं वो टाइप ऑफ सॉइल डिसाइड करते हैं। कैसे, देखो ये लैंड फॉर्म है, मान लो कि इस तरह का लैंड फॉर्म है, अगर एक ऊंचाई वाला, मैं ढाल वाला एक लैंड फॉर्म बता दे रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो मृदा होगी वो स्लोप पर ढलते ढलते नीचे इकट्ठा हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी, अपक्षय होगा तो अपरदन के माध्यम से नीचे चला जाएगा, तो यहां मोटी लेयर बन जाएगी, यहां पर पतली लेयर बनेगी, सिंपल सी बात है। अच्छा यहां पर मान लो ज्वालामुखी चट्टान थी, ज्वालामुखी चट्टान थी, है ना, मतलब वोल्केनिक रॉक था, वोल्केनिक रॉक था, तो यहां की जो मृदा होगी, यहां पर जो अपक्षय होगा वो काली मिट्टी यानी जो बसाल्टिक जो अवसाद होंगे उससे बनेगा, बसाल्टिक अवसाद से बनेगा। तो ये क्या टाइप्स ऑफ जो रॉक है, टाइप्स ऑफ जो सॉइल है वो दिख रहा है कि लैंडफॉर्म पर डिपेंड कर रही है ना, दिख रहा है। अगर मान लो समतल भूमि है, समतल भूमि है ना, और यहां पर मृदा की लेयर क्या होगी, बढ़िया लेयर होगी, परिपक्व लेयर होगी, हम इसको कहते हैं मेच्योर्ड, मेच्योर लेयर होगी, क्यों, यहां पर समय मिला है प्रॉपर इसको बनने का, ठीक है। अच्छा इसके अंदर जो जल प्रणाली है, जो इस भूमि के अंदर जो जल प्रणाली, मतलब जो हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम है, हाइड्रोलॉजी जो है, जल प्रणाली है, इसके अलावा समय, इसके अलावा ढाल, क्योंकि देखो अभी मान लो ये नई नई भूमि बनी थी, सपोज नई नई भूमि बनी, ज्वालामुखी आया, नई नई भूमि बनी, अब नई भूमि बनी तो 10 दिन में मृदा क्लियर मान लो इतनी है, ठीक है, मृदा क्लियर मान लो पतली सी है, 1000 साल में इतनी मोटी बनेगी, या फिर कई बार इसका अपरदन होगा फिर से बनेगी। तो आप देख रहे हो कि मृदा निर्माण में समय यानी टाइम एक महत्वपूर्ण कारक है, मतलब समय बनने के साथ, समय बढ़ने के साथ मृदा क्या हो रही है, लेयर परिपक्व भी हो रही है, और हो सकता है चक्रीय अपरदन अपक्षय की साइकिल भी चले, ठीक है। तो समय एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्लोप इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दिख रहा होगा, टेरेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भाई कोई लोकेशन ऐसी है, कोई लोकेशन ऐसी है जहां पर खूब बारिश और तापमान बढ़ रहा है, तो वहां पर यानी ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो ह्यूमिड क्लाइमेट में मृदा कैसी होगी इसके आधार पर होगी। कहीं पर ऐसा है जहां पर कचरा गिरा, मतलब कचरा का मतलब पत्ते फूल पत्ती गिरे, वो अपघटन ही नहीं, वहां पे ह्यूमस ही नहीं है, ये ह्यूमिड क्लाइमेट में क्या हो गया, ह्यूमस बहुत ज्यादा आएंगे, ह्यूमस आएंगे तो पूरी मृदा को खा जाएंगे ना, बार बार चक्रियता से खाएंगे। लेकिन कहीं पर ऐसा ठंडी जगह है जहां पर ह्यूमस एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, तो वहां पर मृदा सीधी बात है ना, इतना बढ़िया से निच्छालित मृदा नहीं होगी, है ना, लीच नहीं होगा। कहीं पर खूब बारिश हो रही हो, दिन भर बारिश हो रही हो, तो वहां मृदा में ज्यादा लीचिंग हो जाएगी, मृदा निच्छालित हो जाएगी, जो उसके खनिज हैं, जो मिनरल्स हैं वो बह जाएंगे, बस ये समझ लो, निच्छालित का मतलब इतना ही समझ लो, अभी बाद में आएगा तो डिटेल में पढ़ेंगे, तो बह जाएंगे। तो मृदा के निर्माण और मृदा की परिपक्वता मतलब मेच्योरिटी के बहुत सारे कारण होते हैं, हमने बहुत सारे कारण देखे, इसको डिटेल में यहां पर है, इसको देखिए, ठीक है। अच्छा एक बार हम लोग देखते हैं सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका देख लेते हैं, ठीक है, आगे ये बार बार ऐसे क्यों हो रहा है, थोड़ा स्मूथ चल रहा है आज आईपैड, असल में मैंने बहुत दिन से अपडेट नहीं किया था, कल यहाँ अचानक से क्या हुआ लाइव में, इसमें आवाज चर्चर चर्चर आईपैड में, और बंद हो गया आईपैड, मैंने कहा गया, जितना इस कोर्स से कमाई नहीं हुई उतना, यही होता है
ना, या अभी 1 लाख का सामान है देखिए आपके सामने, और ये रहते रहते मतलब एक बार खराब हो चुका है, खराब हो गया सीधे फटका लगा, बिना इसके पढ़ा नहीं सकते, है ना, बोर्ड पे पढ़ाने में वाट लग जाएगी। तो यही होता है यार, ये सारा इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत टफ टास्क है टू डील विद दैट इश्यूज, है ना, बहुत टफ टास्क है। अचानक से सामान ही गड़बड़ हो गया, खराब हो गया, कुछ कोई बात नहीं, इसको देखिए ये हो गया आपका, है ना। तब समझ में आता है कि कोचिंग वाले कहीं से क्यों 2 लाख फीस लेते हैं भाई, कई बार जरूरत भी पड़ती है। अब दिल्ली जैसे शहर में जगह लेना, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करना, तो उनके खर्चे भी तो होते हैं भाई एडवर्टीजमेंट पे, हम लोग कहीं एडवर्टीजमेंट पे खर्चा नहीं करते हैं, है ना। बड़े बड़े पोस्टर्स लगवाना, टॉपर्स को पैसा खिलाना, हर काम तो उनको करना होता है, तो कहां से करेंगे, आपकी फीस से ही तो करेंगे, है ना। महंगे महंगे टीचर ले आना, ठीक है, जो बस नाम के महंगे होते हैं, काम के महंगे होते हैं, तो बात भी अलग होती, ऊंची दुकान फीकी पकवान, ये चीजों के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है, ठीक है। तो ये बात देखिए बस सीख लेना, ऊपर से गवर्नमेंट के टैक्स इतना ज्यादा है, 50% तो टैक्स में चला जाता है, ठीक है। ये देखो यहां पर है जनक चट्टान, जो हार्ड रॉक थी, जिसको हम बोलते हैं पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक, इसके ऊपर पेरेंट रॉक हुआ, क्या हुआ, धीरे धीरे वेदर हुआ, इसकी अपक्षय हुआ, ठीक है, वेदर हुआ, और उसके ऊपर आया बालू गाद क्ले के साथ उपमृदा, मतलब सब सॉइल आई इसके ऊपर, सब सॉइल आई, और सबसे ऊपर जहां पे वनस्पति है और क्या है, अपर सॉइल है, ठीक है, टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन। ये क्या है, सॉइल प्रोफाइल है। तो सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, एक मृदा के मतलब मृदा आवरण में आप कह सकते हो एक ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ठीक है। तो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल, ये क्या होता है, सॉइल प्रोफाइल होती है। तो आप अगर किसी स्थान की मृदा को ऐसे वर्टिकल खनिए और सीधा सीधा निकाल लीजिए, मतलब ये मान लो ये मृदा है, यहां पर एक ऐसी पाइप डाली जो सीधा घुसते गई अंदर, ऐसे चली गई अंदर आर पार, फिर उस पाइप में से सीधा उठा लिया, उसको सीधा कैच करके उठा लिया बाहर, तब जो आएगा वो ऐसे दिखेगा कि ऊपर मिट्टी दिखेगी, घास घास दिख रही होगी, उसके अंदर सब सॉइल दिखेगी, उसके अंदर अपक्षयी चट्टान मतलब वेदरिंग चट्टान दिखेगी, उसके अंदर जनक चट्टान, ये सब आपको दिखेगी, ठीक है। तो यह बात हो गई। अब मृदा निर्माण कारक क्या है, तो मृदा निर्माण को प्रभावित करने कारक ये 1, 2, 3, 4, 5 ये है, ये आपको पांचों याद करना है, मेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन, खासतौर पे अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इस पे, ठीक है, कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये बात समझिएगा, तो ये बन सकता है सीधा सीधा, है ना। तो यहां पर क्या लिखा है, जनक शैल रंग गठन रासायनिक गुणधर्म खनिज की मात्रा पारगम्यता को निर्धारित करती है, ठीक है। तो बेसिकली कह रहा है जो जनक शैल है, जो पैतृक चट्टान है, वो किसको निर्धारित करती है, मृदा का कलर क्या होगा भाई, सीधी बात, मैंने कहा पैतृक चट्टान मतलब बसाल्टिक है, जैसे भारत में दक्कन का लावा वाला अगर मृदा हो जाओ तो काली मृदा है, क्यों, क्योंकि पैतृक चट्टान काले कलर की है ना। जैसे रेसिज्म टिप्पणी आप लोगों को लगेगा, इसलिए नहीं करूंगा, जान लीजिए। जनक शैल रंग गठन है ना, मतलब किस किस चीज को डिसाइड करिए, पेरेंट रॉक डिटरमाइंस कलर टेक्सचर कि मतलब महीन है कि मोटा है टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज क्योंकि भाई बसाल्ट है तो बसाल्ट की प्रॉपर्टी उसी तरह से होगी, तो ये हो गया मिनरल कंटेंट एंड परमेबिलिटी की पारगम्यता, है ना। तो बसाल्ट है, ग्रेनाइटिक है, पेट्रल चट्टाने कैसी है वो डिसाइड करेगी इन सब चीजों को। जो उच्चा बच है यानी जो रिलीफ है वो डिसाइड करेगा मृदा के संचय को। तो तुंगता यानी एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन अक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। तो मैंने कहा अगर ऐसा है, देखो मैंने कहा ढाल है तो नीचे मृदा इकट्ठा होगी ज्यादा, है ना, और अगर समतल है तो हर जगह मृदा ज्यादा इकट्ठा होगी, तो दिख रहा होगा ये बात। फिर कह रहा है वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो मान लो फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, तो मैंने ये भी बताया कि हो सकता है कि एक जगह पे ह्यूमस फॉर्मेशन ना हो, एक जगह पे ह्यूमस फॉर्मेशन हो। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। तो समय क्या करता है, टाइम डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। तो टाइम एंड क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन, ये सब डिसाइड करता है। तो बेसिकली क्या हो गया, पांच कारक हो गए, जलवायु, तापमान, वर्षा, समय, ठीक है, वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव मतलब ऑर्गेनिक फैक्टर, और उच्चावच मतलब रिलीफ, और जनक सेल। तो आप ये कह सकते हो सॉइल फॉर्मेशन, यहां पे ये फॉर्मूला ना, सॉइल फॉर्मेशन
इज द फंक्शन ऑफ टाइम, यहां पे लिख लीजिए टाइम में लिखिए, पेरेंट ड्रग पहले लिख लीजिए, फिर लिख लीजिए है ना क्या है रिलीफ, पेरेंट रॉक रिलीफ, एक जोड़ लीजिएगा हाइड्रोलॉजी, क्योंकि नीचे अगर जल है ना तो वो भी मृदा निर्माण को प्रभावित करेगा, हाइड्रोलॉजी, फिर लीजिए टाइम, फिर लीजिए क्लाइमेट, और फिर लिख लीजिए क्लाइमेट के अलावा क्या होगा ऑर्गेनिक फैक्टर्स। तो ये चार छह फैक्टर याद कर लीजिए, टेबल बना लीजिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आ सकता है। ठीक है, तो ये सॉइल हो गया हमारा। अब बात आती है कि डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, तो है ना ये हो गया मृदा का निर्मीकरण और संरक्षण के उपाय। तो निम्नीकरण क्यों हो रहा है, तो निम्नीकरण हो रहा है प्राकृतिक और मानव जनित दोनों कारणों से निम्नीकरण हो रहा है। ठीक है, ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर दोनों, भाई ज्वालामुखी आ गए मृदा का निम्नीकरण हो गया, बाढ़ आ गई मृदा का निम्नीकरण हो गया, और हो सकता है मानव ने कीटनाशकों का दुरुपयोग किया तो निम्नीकरण हो गया। निम्नीकरण मतलब डिग्रेडेशन। निम्नीकरण का डिफिनेशन क्या है, मृदा की उपजाऊ परत का नुकसान होना। ठीक है, तो जो मृदा की जो फर्टाइल लेयर है, द फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल जब डिग्रेड हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग डिग्रेडेशन। ठीक है, तो लॉस ऑफ फर्टाइल लेयर ऑफ है ना सॉइल इज नोन एज डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। तो जो नुकसान हो जाती है, जो क्षति हो जाती है जो उपजाऊ परत की, उसको हम लोग कहते हैं ये। अब कैसे संरक्षण करेंगे, ठीक है, तो संरक्षण कैसे करें, तो पहले तो कारक बना दिया है कि कारक क्या क्या है, तो वन उन्मूलन, अतिचारण मतलब ओवर ग्रेजिंग है ना, डिफॉरेस्टेशन, केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का यूज करना, वर्षा दोहन, वर्षा से बारिश से अपरदन हो जा रहा है, भूस्खलन, लैंड स्लाइड आ रही है और बाढ़ आ रहा है, ये सब कारणों से मृदा निम्नीकरण हो रहा है। अब बोला मल्च, अब कह रहा है कि संरक्षण की कुछ विधियां, तो कंजर्वेशन का बता रहा है, मल्च बनाना। अब देखो यही क्वेश्चन में से पूछेगा कि मृदा भारत के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, आप मृदा को किस प्रकार संरक्षित करेंगे, या फिर आप सुझाव दीजिए कि भारत में मृदा संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जाए। तो यही लिखोगे उपाय, मल्चिंग करना है। मल्चिंग मतलब जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाए, तो एक लेयर ऑर्गेनिक लेयर बिछा दी जाए जिससे अंदर की आर्द्रता है वो वहीं रुक जाए, तो ये होता है मल्च बनाना। फिर आप टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, इससे क्या होगा, टेरेस फार्मिंग से क्या होता है बताया था, पानी बहता धीरे धीरे, स्पीड स्लो हो जाती है, जिससे अपरदन यानी इरोजन रुक जाता है, ये हो गया। समुच्च रेखीय जुताई, कंटोर प्लॉइंग करिए, कंटोर प्लॉइंग से क्या होता है, कंटोर प्लॉइंग से क्या होता है, जो टॉप मोस्ट लेयर है वो खराब नहीं होती है, वो अपर्दित नहीं होती है कंटोर फार्मिंग से। ठीक है, ये हो गया है ना, तो देखिए कहीं इधर है ना, तो वेदिका फॉर्म बना सकते हैं आप, समुच्च रेखी बना सकते हैं, रक्षक मेखलाएं, रक्षक मेखलाएं क्या होती है, शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट क्या होती है, यहां पर ऐसे होती है, देखो ये जगह है ना, ये मान लो खेत है हमारा, और खेत के किनारे किनारे आपने क्या किया, पेड़ लगा दिया, रक्षक मेखलाएं, तो यहां जो हवाएं चलेंगी, जब यहां से धूल उड़ेगा, हवाएं चलेंगी, तो धुलवा इससे रुक जाएगा, धुलवा बहरे नहीं भाई, इस उड़ के इस पार नहीं जाएगा। तो खासतौर पर जहां पे डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम है, जहां पे मरुस्थलीकरण की प्रॉब्लम है, वहां पे रक्षक मेखलाएं अगर आप बना देते हो तो मरुस्थलीकरण बाहर नहीं जाता है ना। और ग्रेट वॉल ऑफ, ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका, ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका मैं आपको दिखाता हूं, ये एक प्रोजेक्ट चला जा रहा है, इसी तरह का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, यहां पे आप देखोगे ये रक्षक मेखलाएं, देखो पूरा सहारा, सहारा मरुस्थल है ऊपर, यहां पर ये पूरा बनाया जा रहा है, सहारा मरुस्थल के चारों ओर, देख रहे जो येलो येलो आपको दिख रहा होगा यहां पर, ठीक है, यहां पर येलो येलो दिख रहा होगा ऊपर, ये क्या है, ये रक्षक मेखलाएं हैं, ग्रेट ग्रीन वॉल, पूरा यहां से सहारा को कंटेन किया जा रहा है, देखो है ना, सेटेलाइट फोटो ऑफ सहारा, ये सहारा है, इसको बचाया जा रहा है ना। तो डेजर्टिफिकेशन साहेल रीजन में ना जाए, कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन साहेल रीजन, होल्ड बैक एक्सपेंशन ऑफ सहारा, तो By planting wall of trees stretching across the entire Sahel region. तो wall of tree बनाया जाएगा. Green wall involved program promoting water harvesting. अब the modern program में आया क्या? इसमें water harvesting, greenery protection and improving indigenous land use technique. ठीक है, तो ये आप इसको बात कर सकते हो, चाहे तो add कर सकते हो. ठीक है, examples में ये चीजें add कर सकते हो. तो great green wall चलाया जाएगा, shelter point. ठीक है ना, ये हो गया. तो ये तरीका हमारा कुछ कुछ हो गया. अब हम आते हैं चट्टान बांध, ये भी हो गया था है ना, ठीक है, शेल्टर बेल्ट्स, ये सब सारी चीजें हो गई, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं। अब आते हैं हम जल, ठीक है, काम करते हैं जल हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है, डेढ़ घंटे की आपकी क्लास हो गई है, तो मे बी पोर हो जाओ, जल संसाधन, फिर प्राकृतिक वनस्पति, ये दो हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, प्राकृतिक वनस्पति साइड से बताना है, थोड़ा सा समय लग सकता है, खनिज और शक्ति संसाधन, ये नेक्स्ट क्लास में हम दोनों ये करते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत। कोई इश्यूज हो तो आप जरूर बताइए, है ना, कैसा लग रही है आपको क्लासेस, ये भी जरूर बताइए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।